श्वेता सिंह, आप देख रहे हैं आज तक। आम बजट जो हर साल आता है, जिससे हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जिंदगी कुछ खास हो जाएगी, आम बजट खास बनाता है या नहीं बनाता है आपकी जिंदगी, उससे पहले हम इस बजट को कुछ खास अंदाज में आपके सामने पेश कर रहे हैं। और इसके लिए ये बजट बाजार बनाया है हमने। ये हमारा बजट बाजार है जहां पर सभी जानकार मौजूद हैं, क्योंकि बजट सबकी नजर से अलग होता है, सबकी अपेक्षाएं उम्मीदें अलग होती हैं। तो हमने सोचा क्यों नहीं एक ही जगह सबको हम बिठा ले, और इससे ज्यादा रौनक किस बाजार की हो सकती है। आइए हम पहले आपको इस बजट बाजार की सैर करा देते हैं। सबसे पहले आप देख कर ही समझ जाएंगे, यहाँ पर ये हमारा गाँव है, ये गाँव आज तक है। और यहाँ पर हमारे खास मेहमान हमें बताएंगे कि गाँव की उम्मीदें क्या है, अब तक ये उम्मीदें पूरी होती रही है या नहीं, इस बार क्या हो सकता है। तो पूरा देखिए, यहाँ पर लालटेन लगा है, जो दिए हैं वो टिमटिमा रहे हैं, कितना टिमटिमाएंगे। यहाँ पर देखिए समोसे चाय की भी जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, लेकिन कहां से सिलसिला शुरू हुआ है, ये टी स्टॉल है हमारा। यहाँ पर जो जनता है वो हमें बताएगी कि वो इस चाय की मिठास को बरकरार रखने के लिए जेटली जी से क्या मांग रहे हैं। और इसीलिए जरूरी हो जाता है ये जनता किराना स्टोर भी, जो ढूंढिए वो सब कुछ यहां पर उपलब्ध है। लेकिन कल क्या कीमत रहेगी इनकी, ये भी देखना होगा। तो हम यहां से भी जानेंगे कि अभी जो रेट लिस्ट है यहां पर वो क्या है और आगे क्या होने वाला है। और ठीक इसके बगल में देखिए मोदी जी की दुकान लगी है। वैसे तो मोदी जी बहुत सारी नीतियां अपनी, बहुत सारी जो पॉलिसीज है वो चाहते हैं कि लागू हो, अच्छे से लागू हो, लेकिन मेक इन इंडिया के लिहाज से क्या तस्वीर होने वाली है, यहां पर ये हम आपको दिखाएंगे। और मोदी जी की दुकान से चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और देखते हैं कि जो घर का सपना आपका है वो कितना पूरा होगा। क्योंकि स्मार्ट शहर, आदर्श ग्राम, बहुत सारी चीजें कही जाती हैं, लेकिन स्मार्ट होम कितना होगा आपका, वो भी हम यहां पर जानेंगे। यहां पर दुकान लगी हुई है स्मार्ट होम की। अगला जो है वहां पर वो स्टॉल है जहां से हमें सारी चीजें पता चलेंगी कि मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। ये पॉलिटिकल केंद्र है हमारा, और इसके ठीक पीछे हमने रुपए का भी, कितना रुपया कमजोर है या नहीं है, वो सारी चीजें भी पूरा ब्यौरा लेकर हमने रखा है, उस पर भी हम सब कुछ चर्चा करेंगे। और आखिर में वो स्टॉल जिसकी तरफ सबकी नजर रहती है, क्योंकि टैक्स की बात यहां पर होती है, ये टैक्स मास्टर हमें बताएंगे कि टैक्स के लिहाज से हमारी जेबें कितनी भरी रहेंगी, कितनी खाली होंगी। खाली की बात अभी नहीं करते हैं, क्योंकि अभी बजट आने वाला है। और इस पूरे बाजार के बीचों बीच यहां पर जो मंडली आप देख रहे हैं, एहसान भारती कव्वाल घुंघरू वाले, उनकी पार्टी जो है वो हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत करेगी, और थोड़ा धमाकेदार शुरुआत होगी यहां से। आइए, जुल्म ये ढा रही है महंगाई, ईमान से जुल्म ये ढा रही है महंगाई, जिस्म को खा रही है महंगाई, ऐ खुदा अब हमें बचा ले तू, देश पे छाई हुई है महंगाई, क्यों धूम मची है महंगाई की, धूम मची है, धूम मची है महंगाई की, धूम मची है, धूम धूम मची है महंगाई की, धूम मची है, सारे शहर में ओहो, सारे नगर में ओहो, सारे शहर में सारे नगर में बोलिए जनता घूम घूम घूम, धूम मची है महंगाई की, धूम मची है, धूम धूम मची है महंगाई की, धूम मची है, गम का माहौल है और फिक्र की गहराई है, इस तरफ देखिए ये गहरी ही महंगाई है, इस तरफ देखिए गहरी ही महंगाई है, आज बाजार में हर चीज की कीमत देखो, आज बाजार में हर चीज की कीमत देखो, कितनी बढ़ने लगी अब इनकी हकीकत देखो, कितनी बढ़ने लगी अब इनकी हकीकत देखो, सब्जियां महंगी हुई, महंगी हुई है शक्कर,
सब्जियां महंगी हुई है चक्कर, सुन के कीमत को हमें आने लगे हैं चक्कर, सुन के कीमत को हमें आने लगे हैं चक्कर, अब गरीबों के भी चूल्हे नहीं जल पाएंगे, अब गरीबों के भी चूल्हे नहीं जल पाएंगे, रोटियां बच्चों को हम किस तरह खिलाएंगे, रोटियां बच्चों को हम किस तरह खिलाएंगे, कैसे महंगाई की आफत है ये हटेगी अब, कैसी महंगाई की आफत है ये आने लियो, किस तरह जिंदगी अब हमारी कटेगी यार, किस तरह जिंदगी अब हमारी कटेगी यारो, एक दीवाना ओहो, एक मस्ताना ओहो, एक मस्ताना सबको कहेगा घूम घूम घूम, धूम मची है महंगाई की, धूम मची है घूम, धूम मची है महंगाई की, धूम मची है घूम, धूम मची है महंगाई की, धूम मची है घूम, धूम मची है महंगाई, धूम मची है घूम। दरअसल सरकारें बदल जाती हैं लेकिन महंगाई की बात कभी खत्म नहीं होती है। आंकड़े अभी कुछ और बयां करते हैं लेकिन क्या हकीकत में बाजार में जब हम जाते हैं तो वहां की तस्वीर क्या होती है। हम चलिए जनता किराना स्टोर से ही शुरुआत कर लेते हैं। दिनेश जी, महंगाई की बात सिर्फ बात है या हकीकत है, सच्चाई है इसमें कुछ, और क्या बजट से इसमें कुछ बदलाव आएगा, आपकी उम्मीदें क्या कहती है? देखिए, महंगाई एक बहुत बड़ी सच्चाई है, चाहे वो दाल की बात को लेकर के हो और चाहे वो पेट्रोल की बात को लेकर के हो। इत्तफाक से पिछले एक साल में क्रूड ऑयल की कीमतों में काफी कमी आई है जिसकी वजह से महंगाई काफी थमी हुई है, लेकिन ये केवल सरकार का एक बहुत बड़ा लक फैक्टर कहा जाएगा। लेकिन बजट की वजह से क्या हम महंगाई पे आगे भी कंट्रोल कर पाएंगे? अगर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी तो क्या हम इन्फ्लेशन फिर से कंट्रोल कर पाएंगे? ये बहुत बड़ा देखने वाली बात होगी, क्योंकि जितनी लकी सरकार पिछले एक साल में रही है क्रूड ऑयल को लेकर के, शायद अगला साल उतना लकी ना साबित हो। देखिए, मैं तो एक इकोनॉमिस्ट हूं, मैं तो ये मानता हूं महंगाई हर इकोनॉमिक प्रॉब्लम की जो जड़ जो है, मदर है, वो इन्फ्लेशन है। चाहे हम जॉब अपॉर्चुनिटीज की कमी की बात देखें, नौकरियां नहीं आज की तारीख में, या डेफिसिट सरकारी घाटा अगले साल का लेके हमें घबराहट हो रही है कि मेंटेन कर पाएंगे कि नहीं, सबकी जड़ महंगाई है। और महंगाई अभी भी 5.7% के आसपास बनी हुई है। साथ ही साथ एक चीज और कहना चाहूंगा, बीजेपी सरकार अच्छा काम कर रही है लेकिन ग्लोबल स्लोडाउन की वजह से हमारी स्टॉक मार्केट 30,000 से टूट के 23,000 आ चुकी है। ऐसे में एक बड़ी स्ट्रांग रूमर चल रही है बाजार में कि कैपिटल गेन एग्जम्पशन जो स्टॉक मार्केट को मिला है वो छिनने वाला है। अब स्टॉक मार्केट वो चीज है जिससे इंडस्ट्रियलिस्ट पैसा रेज करता है, फैक्ट्री लगाता है, लाखों लोगों को रोजगार देता है। सरकार को भी डिसइन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक मार्केट चाहिए। तो मैं आपके मन से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मंत्री जी से, प्लीज वो एग्जम्पशन इस समय ना छीने। और सरकार से जब भी बात करते हैं, हाउसिंग फॉर एवरीवन, 10 सेकंड और, 2022 किसानों के लिए ग्रोथ, 2022 रेल मिनिस्टर साहब बजट में कहते हैं 2020 के टारगेट अलग अलग सीमों में। संबित भाई यहां बैठे हुए हैं, आपकी करंट सरकार 2019 तक है। एक आपसे प्रार्थना है कि जो टारगेट दें 2019 तक के दें, चाहे थोड़े कम दें, वरना 2019 के इलेक्शन के समय हम आपसे क्या बात कर पाएंगे। 2022 की तस्वीर देखेंगे। संबित जी के पास सारी उम्मीदें और सारे सवाल आप ही के पास आने वाले हैं, लेकिन हम फिलहाल यहां से आगे बढ़ेंगे और हम पहले गांव की बात करेंगे। ये गांव आज तक की तरफ हम चल रहे हैं और उनसे भी हम जान लें कि दरअसल अभी तक जो उम्मीदें होती हैं, हर साल बहुत सारी चीजें होती हैं, इस बार भी बहुत सारी बातें कही गई हैं। फसल की बीमा की बात है, आपका सॉइल हेल्थ कार्ड जो 2.5 साल पहले जिसकी बात शुरू हो गई थी वो आखिरकार उसका अमली जामा, उसे कितना पहनाया गया, जो जमीन है, जो किसान है वो क्या कह रहा है, वो क्या उम्मीदें लगाया है उन आत्महत्याओं के आंकड़ों के बीच। देखो, किसान को बहुत उम्मीद है सरकारों से, मोदी जी से उम्मीद है, और वो ये आंकड़ा लगाए बैठा हुआ है कि कुछ न कुछ बजट में गांव के लिए होगा, उन किसानों के लिए होगा जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, वे आत्महत्याएं रुकेंगी। लेकिन हालात क्या है वो उससे पूर्ण रूप से अलग हैं। घोषणाएं होंगी,
पहले से भी होती चली आ रही है। हमने बीजेपी सरकार जब आई, हमने उनको ये कहा, प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी भी उनको लिखी कि आप एक ज्वाइंट सेशन बुलवाओ और उसमें एग्रीकल्चर पॉलिसी आप तय करो 25 साल की। पार्टियां वे कोई खराब नहीं होती, लेकिन जब देश में एग्रीकल्चर पॉलिसी कानूनी नहीं है तो पार्टी तो आती रहेगी, कल किसी की सरकार आएगी, परसों दूसरे की आएगी, वो उसको कहेगा, वो दूसरे को कहेगा। हालात ये है कि किसान आत्महत्या क्यों कर रहा, उसकी फसलों की कीमत उसको नहीं मिलती, उसकी फसल का नुकसान हो जाता है वो उसको नहीं मिलता। पूर्ण रूप से आज गांव छोड़ के लोग प्लान कर रहे हैं शहरों की तरफ। जो जिम्मेदार लोग हैं, किशन भी चौधरी साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, देविंदर शर्मा जी यहाँ पे है, सुमित पात्रा जी यहाँ पे हैं, बहुत उससे सुनते हैं। जो जिम्मेदार लोग हैं, जो कुछ लोग करना चाहते हैं, जानते हैं, वे उससे पूर्ण रूप से सिस्टम से बाहर हैं। और वहां पे उस तरह के लोग हैं जो सिर्फ कागजों में पॉलिसियां बनाते हैं और उसको छोड़ देते हैं। तो हमें उम्मीद है कि कल के बजट में, जो आज बरेली के अंदर राजनाथ सिंह जी की भी स्पीच सुनी, प्रधानमंत्री जी की भी स्पीच सुनी, और उन्हें बहुत सी चीजें करने की बात उन्होंने कही, और उन्हें ये भी चीज कही कि स्टेट अगर साथ देगा तो हम एक साल में किसानों की जो आमदनी है उसको दुगनी कर देंगे। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, जो यहाँ पे बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, सुमित पात्रा जी यहाँ पे हैं, सरकार यहाँ पे है पूर्ण रूप से, उनके प्रतिनिधित्व यहाँ पे हैं, कि जहाँ पे बीजेपी की सरकार है, जहाँ पे केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट एक है, तो आप पहले उनको आप करके दिखाएं। एक साल का आपके पास में टाइम है, आप उसको करके दिखाएं, उसका आप रिजल्ट लेकर दिखाएं। ये नहीं कहने से काम चलेगा कि हम वहाँ नहीं कर रहे, हम वहाँ पर नहीं कर रहे। भाई, हरियाणा में आपकी गवर्नमेंट है, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, मध्य प्रदेश में आपकी है, लेकिन है क्या कि ये गठबंधन है सरकारों के, एक दूसरी पार्टियों के गठबंधन है, ये तोड़ने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में जब जमीन का अधिग्रहण होगा तो आप कमलनाथ को जमीन दोगे जो केंद्र में मिनिस्टर रहा। ये जो गठबंधन है, ये तोड़ गठबंधन है, गांव के लोगों के साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा पूर्ण रूप से, क्योंकि हर जगह हम कृषि प्रधान, और ये दिख जाता जी, ये दिख जाता है कि हम कृषि प्रधान हैं, किस तरीके से किसान कितने हैं इस देश में, कितने कृषि पर निर्भर हैं, ये आंकड़े बहुत सारे दिखाए जाते हैं। और इसीलिए बातें जब कही जाती हैं तो लगता है इन पर अमल कब होगा। प्रधानमंत्री ने जो बात कही कि 2022 तक, हालांकि 22 का आंकड़ा उन्होंने कह दिया कि क्यों 2022 तक हम इंतजार करें, कि दोहरा हो जाएगा, किसान जितना कमा रहा है वो दोहरा हो जाएगा, इन बातों पर विश्वास होता है, यकीन होता है? देखिए, ये सारी चीजें एक प्लान के तहत होता है। हमारी योजना किस तरीके से हमें अमल में लानी है और क्या भविष्य को हमको तय करना है, बजट इस बात को दर्शाता है। सवाल यह है कि ना तो एक दिन में आत्महत्याएं शुरू हुई हैं और ना एक दिन में बंद होने वाली हैं, ये तो हकीकत है। पिछले 30 सालों से सिंचाई के संसाधन नहीं बढ़े, तो आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा किसान, पहली बात यह। दूसरी बात यह, जब फसल फेल होती है, वो क्यों फेल होती है, उसकी सबसे बड़ी वजह पानी का ना होना है। किसानों की हम बात क्यों करें, हम यहाँ पर भी देख रहे हैं, देखिए कुम्हार बैठे हैं यहाँ पर, यहाँ पर हम देख रहे हैं इन लोगों को, यहाँ पर अपनी जो दिन में अपनी बकरियां चराते होंगे, बहुत सारे लोग हैं जो हम गांव आज तक की बात कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा तबका है, और इसीलिए हमें उन सबके बारे में, उन सबकी उम्मीदों को देखना है। देवेंद्र जी, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अगर गांव में किसान समृद्ध है तो उसके साथ जो जुड़े हुए जो प्रोफेशंस हैं वो भी साथ में समृद्ध होते हैं, लेकिन अगर किसान की हालत खराब है तो उनकी भी हालत खराब होनी लाजमी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा है तो इकोनॉमिक सर्वे में खुद में कहा गया है कि 17 स्टेट्स में भारत में किसान के परिवार की औसतन आय जो है साल की 20,000 रुपये है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हर महीने 1700 रुपए किसान को मिलते हैं 17 स्टेट्स में। अगर आप सारे देश को देख लो तो 3000 रुपए किसान को मिलते हैं। अब 3000 रुपए वाला आदमी जो कमाता है वो आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा? मेक इन इंडिया की बहुत गुंजाइश यहाँ पर है और वो दिखनी शुरू हुई है। हम अलग अलग फोर्सेस को भी देख लें, उसमें हमें शिप्स नजर आ रहे हैं, हमें आर्म्स को लेकर किस तरह का रिसर्च चल रहा है वो सब कुछ दिखता है, लेकिन यहां से जो शुरुआत होगी वो एक बहुत बड़ा ब्रांड एम्बेसडर मेक इन इंडिया का रहेगा, और इस बार रियायत की उम्मीद भी कर रहे हैं। जी हाँ, सबसे पहली बात तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये आइडिया मेक इन इंडिया बहुत अच्छा है, लेकिन अभी तक इसको कन्वर्ट करने के लिए, इसको जमीन पर इसका ढांचा लगाने के लिए अभी सिर्फ शुरुआत है। डिफेंस में हमें
इस सरकार से, बीजेपी सरकार से फौजियों को बड़ी बड़ी उम्मीदें थी, बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं। और खासकर आज के दौर में जबकि तेल की कीमतें घट गई हैं और हमारा जो देश है वो 7.5-7.6 की ग्रोथ रेट पे जा रहा है, और इसलिए बहुत उम्मीदें हैं सरकार से कि जब तक आपके पास सुरक्षा नहीं होगी और रक्षा नहीं होगी, चाहे किसान की बात हो या मेक इन इंडिया की बात हो, बिना सुरक्षा और रक्षा के बिना नहीं हो सकता। इसलिए लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान और जय किसान की बात उठाई थी, तो मैं उस बात की का विवरण कर रहा हूँ जिसमें एक जवान है, मैन है, और दूसरी बात है मशीन। तो मैन, जहाँ तक जवान का सवाल है, अभी वन रैंक वन पेंशन आ गया है, सेवेंथ पे कमीशन आ गया है। जहाँ पर मशीन की बात है, हथियारों की बात है, मॉडर्नाइजेशन की बात है, वहाँ जो उपलब्धि होनी चाहिए वो उपलब्धि नहीं हो रही। हम चाइना का हमको बराबरी करना है। हम सबसे नंबर टू, अभी तो हमारी जो ग्रोथ है नंबर वन है, लेकिन हम रक्षा मामलों में, सुरक्षा मामलों में चाइना के बहुत पीछे हैं। तो इसलिए हमें उम्मीद है कि जो मॉडर्नाइजेशन है, जो कैपिटल फंड है जिससे मेक इन इंडिया का सवाल उठेगा, उसमें हमें उपलब्धि नहीं मिल रही। और कभी कभी कमी क्या है कि जो पैसा मिलता भी है मॉडर्नाइजेशन और कैपिटल फंड के लिए, उसको हम खर्च नहीं कर पाते। हम हर साल सरकार को 10-12 हजार करोड़ बिना खर्च किए लौटा देते हैं। और तो इसलिए यह लाजमी है कि हमारे जो सुरक्षा और रक्षा के सुधार हैं, जो नया डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है, वो सरल बनाना चाहिए। जैसे इनकम टैक्स का आप सरल बना रहे हैं, डिफेंस का मॉडर्नाइजेशन को सरल कीजिए ताकि वो उपलब्धि हो पाए, ये बहुत जरूरी है। एक बड़ी उम्मीद है। सवाल खड़े किए हैं मेरे मित्र ने, मैं 10 सेकंड चाहूंगा जवाब देने के लिए। देखिए, किसान हमारा अन्नदाता है, हम उसे सलाम करते हैं, लेकिन आज 7.6% की जीडीपी ग्रोथ रेट है, तो कॉरपोरेट्स ने अपना जो है परफॉर्मेंस दिखाया है, वर्ल्ड में फास्टेस्ट जीडीपी ग्रोथ है इमर्जिंग मार्केट्स में पूरी दुनिया के सामने। तो ऐसा नहीं है कॉरपोरेट्स पे दोष ना मरे, कॉरपोरेट्स अपनी जगह परफॉर्म कर रहे हैं, उन्हें सरकार की सहायता चाहिए। किसान हमारा अन्नदाता है, पूरी इज्जत करते हैं, लेकिन कॉरपोरेट्स को प्लीज इग्नोर ना करें। हम जवाब लेंगे, हम पहले सबकी उम्मीदों पर। हम दरअसल जी, हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं तो हमें मानना पड़ेगा कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना पड़ेगा। आज हमारे नौजवान लोगों के पास जॉब्स नहीं है, अगर उनको जॉब्स को बढ़ाना है तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ऐसा सेक्टर है जहां पे वो हो सकता है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बढ़ाना जरूरी है और मेक इन इंडिया पॉलिसी उसमें हेल्प कर रही है। इस सरकार के आने के बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन हमें साथ साथ ये देखना पड़ेगा कि पूरा विश्व और इंडिया एक बहुत मंदी के दौर पे गुजर रहे हैं। वो मंदी का दौर हम तेल की प्राइसेस में देखते हैं, स्टील की डिमांड में देखते हैं, सीमेंट की डिमांड में देखते हैं। तो ये आज जरूरी है कि सरकार की नई ऐसी पॉलिसी आए जिससे ये डिमांड बढ़ सके। तो गवर्नमेंट को निवेश करना पड़ेगा इस तरह की पॉलिसीज में कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च करें। इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी सेक्टर से। हमारे किसान भाइयों को, हमारे मजदूर भाइयों को इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा बढ़ाने से और ज्यादा लाभ मिलेगा, और वो लाभ मिलने से एक पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने से मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगी और देश की तरक्की होगी। बहुत चीजें बदली हैं, बदलाव के दौर में है, जो हो रहा है वो पर्याप्त है या फिर उसे एक मतलब दिशा सही जा रहे हैं हम या नहीं? श्वेता जी, आपके माध्यम, आज तक के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा, आज गवर्नमेंट के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसका नाम है स्टार्टअप।
स्टार्टअप एक ऐसी चीज है जिसपे गवर्नमेंट क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है, लेकिन जिसपे गवर्नमेंट बहुत ज्यादा एफर्ट्स भी कर रही है। मुझे लगता है गवर्नमेंट को अगर आज 50 रुपए खर्च करती है स्टार्टअप्स के नाम पे, हो सकता है आने वाले 5 या 10 सालों में वो 50 रुपए 5 लाख के बराबर हो। गवर्नमेंट को रोजगार के अवसर बढ़ाने का एकमात्र ऐसा चांस है जिसका नाम है स्टार्टअप, जहां पे हमें और इंक्यूबेशन सेंटर्स चाहिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स चाहिए, इन्वेस्टमेंट कैपिटल गेन के ऊपर, चाहे वो सीड फंडिंग हो, चाहे एंजल इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वेंचर कैपिटल हो, चाहे प्राइवेट इक्विटी हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में हमें कटौती चाहिए जो एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट से, और बैंक्रप्सी के लॉज ऐसे आने चाहिए जहां पर एंटरप्रेन्योर अपने आप को सेफ महसूस करे। एक कंपनी फ्लिपकार्ट, छोटे दो लड़कों ने एक कंपनी चालू की और 30,000 नौकरियां बना दी। क्यों नहीं हमारे देश में एप्पल जैसी कंपनीज, फेसबुक जैसी कंपनीज, आज सारे के सारे सर्वर हमारे बाहर सिंगापुर या अमेरिका में जाते हैं, क्यों ना हम अपने सर्वर्स खुद बनाएं, डिजिटल फार्म्स बनाएं और मेक इन इंडिया। मुझे ऐसा लगता है बीजेपी सरकार पहली सरकार है देश के अंदर जिसने टेक्नोलॉजी को बहुत ही अच्छे से यूज किया है, और मैं अपेक्षा करता हूं आने वाले समय में बहुत ही पॉजिटिव रहेगा उनका ये रोल। चलिए, एक एक तरफ से आपको पूरे नंबर मिल रहे हैं, दूसरी तरफ से आपको नंबर बिल्कुल भी नहीं मिल रहे हैं, और यही लगता है सबसे बड़ा चैलेंज हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी सरकार को अव्वल कहा जाता है कि आप प्रो कॉर्पोरेट हैं, और जो किसान हैं वो बहुत निराश रहते हैं आपसे। यहां जो हमें रिएक्शंस मिल रहे हैं संबित जी, वो कुछ ऐसे ही मिल रहे हैं। क्या बजट में कोशिश होगी इस धारणा को बदलने की? श्वेता जी, मैं एक एक करके सबको सुन रहा था, इसलिए मुझे थोड़ा मौका दीजिए, मैं जवाब दूंगा। पहली बात, महंगाई की शुरू हुई किराना स्टोर से, आप पूरे थाली को देखिए, हाँ एक आध आइटम बढ़ गया होगा, मगर इन जनरल थाली का रेट घटा है। आप देखिए, जब कल इकोनॉमिक सर्वे भी आया, उसमें जब बात की गई कि जो महंगाई की दर है वो 4 से 5.5 के बीच में रहेगा, वो आरबीआई के जो एक्सपेक्टेशन के अनुरूप है, स्वाभाविक रूप से जो आरबीआई चाहती है सरकार वो कर रही है। दूसरी बात जो मैंने सुनी वहां से, वो एग्रीकल्चर और कृषि के बारे में थी। कृषि के बारे में ये सरकार ने क्या किया? नंबर वन, आप देखिए जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक योजना है। प्रीमियम कहां से कहां तक कम कर दिया, कैपिंग हटा दिया हमने, कॉम्पेंसेशन पहले अगर 30% जमीन, 50% जमीन नष्ट होता था तब मिलता था, हमने उसको 30% में किया, 1.5 गुना कॉम्पेंसेशन बढ़ाया। प्रधानमंत्री जल सिंचाई योजना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी उपलब्धि है। आप सब्सिडी पे आ जाइए, अभी किसी ने सब्सिडी के विषय में बात की, प्रधानमंत्री ने हाल फिलहाल में एक भाषण दिया, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा गरीबों को आप इंसेंटिव देते हैं तो आप उसे सब्सिडी कहते हैं, और अमीरी को जब सब्सिडी देते हैं तो आप उसे इंसेंटिव कहते हैं, ऐसा क्यों? यहाँ पे ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं होगा। रागिनी जी बैठी है, रागिनी जी, आपके सरकार के समय थ्योरी ये था कि अमीरों को अगर हम अमीर करेंगे तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा, मगर इस सरकार में मानना है कि पुल अप इफेक्ट, हम उन्हें खींच के अमीर बनाएंगे और गरीबी रेखा से ऊपर लाएंगे। कॉरपोरेट के बारे में ये जो मैंने कहा अभी कि आपने कहा सूट वूट की सरकार है, अमीरों की सरकार है, नहीं, ये गरीबों की सरकार है, ये मोदी जी ने शुरू में ही कहा है। डिफेंस के बारे में सर ने कहा, राफेल जेट एक बहुत बड़ा उदाहरण है, कितने वर्षों से एक हमारे डिफेंस मिनिस्टर ऐसे थे 10 वर्षों तक जिनका मोटो था नो वर्क नो हेडेक, काम ही नहीं करूंगा तो मेरे ऊपर तमगा लगेगा ही कैसे करप्शन का, तो काम ही नहीं करूंगा। मगर आप देखिए राफेल जेट का उदाहरण, लास्ट में स्टार्टअप के विषय में सर ने बिल्कुल ठीक कहा, फ्रॉम जॉब सीकर्स टू जॉब क्रिएटर्स, और देखिए एक सेलिब्रेटरी मूड आज होना चाहिए। मैंने भी आज हमारे साहबों का जो है गाना सुना, उनके कवाली को सुना, 3-4 तुक मैंने भी बनाए, मुझे भी ये मौका दिया जाए कि तुक के माध्यम से आज हम एक सेलिब्रेटरी मूड यहाँ बनाए। रागिनी जी, आपकी इजाजत हो तो बिल्कुल करिए, आप लोग भी थोड़ा म्यूजिक के साथ उसको रखिएगा तो मैं भी ये फरमाऊंगा। हेलो हेलो, थोड़ा बजाना, मैं भी सुनाना चाहता हूँ आपको एक। मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ, कम ऐसा होता है कि राजनेता सुनाते हैं ये। ना ना ना, पूरे जनता ने सुनाया, अब मैं सुना देता हूँ, चाहे कितने भी दूध मैदा हो, किस तरह उन पे हम भी शैदा हो, मैं दुआ कर रहा हूँ ईश्वर से बच्चे महंगाई में ना पैदा हों। अब मेरा भी सुन लीजिए इरशाद। वो जमाना अलग था, वो जमाना अलग था, आपने अरमानों का किया था कीमा। वो जमाना अलग था, आपने अरमानों का किया था कीमा। ये जमाना अलग है, ये जमाना अलग है, किसानों को दिया है हमने बीमा।
वो जमाना अलग था, आपने अरमानों का किया था कीमा। ये जमाना अलग है किसानों को, गरीबों को हमने दिया है बीमा। अरे आपने कहा महंगाई का जुल्म हो रहा है, सुनिए जनाब। वो जमाना अलग था, वो जमाना अलग था, महंगाई बनी थी डायन। वो जमाना अलग था, महंगाई बनी थी डायन। अरे सुन लीजिए, सुन लीजिए, हम हैं वो लायन, हम हैं वो लायन जिसने किया है महंगाई पे कंट्रोल कायम। हम हैं वो लायन जिसने किया है महंगाई पे कंट्रोल कायम। जनाब आपने कहा था अब गरीबों के घर में चूल्हे नहीं जल पाएंगे। जनाब आपने कहा था अब गरीबों के घर में चूल्हे नहीं जल पाएंगे। सरकार ने, मोदी जी ने किया है वो पहल, मोदी जी ने किया है वो पहल कि अब वो सिलेंडर एलपीजी लेके आएंगे। रागिनी जी आप ऐसे में जवाब नहीं दे पाएंगी शायद। देखिए मेरा नाम रागिनी ही काफी है, मुझे गाना गाने की जरूरत नहीं। ब्रेक के बाद आते हैं क्योंकि अभी रियल एस्टेट की बात नहीं हुई है, टैक्स की बात नहीं हुई है, मेरा जवाब पहले और उनका जवाब भी नहीं हुआ है रागिनी जी का। तो इस ब्रेक के बाद हम उस पर चर्चा करेंगे। आप देखते रहिए आज तक। शहर में ओ हो, सारे नगर में ओ हो, सारे शहर में सारे नगर में बोलिए जनता घूम घूम घूम। धूम मची है महंगाई की, धूम मची है, धूम मची है महंगाई की, धूम मची है, धूम धूम मची है महंगाई की, धूम मची है, सारे शहर में ओ हो, सारे नगर में ओ हो, शहर में सारे नगर में बोलिए जनता घूम घूम घूम। धूम मची है महंगाई की, धूम मची है। बजट के इस रौनक भरे बाजार में हम मौजूद हैं और यहाँ पर जब अंत हुआ था पिछले हिस्से का तो उसमें कव्वाली का जवाब कव्वाली से दिया था संबित पात्रा ने, लेकिन अब शब्दों में जवाब देंगी रागिनी। बिल्कुल, देखिए तुकबंदी करके हंसाने में संबित पात्रा जी का और जुमले छोड़कर बहलाने में मोदी जी का कोई सानी नहीं है, ये मैं स्वीकार कर लेती हूँ। अब देखिए दो तीन बातें बहुत प्रमुख हैं। सबसे पहले तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में ये बात स्वीकार ली कि उनकी परीक्षा की घड़ी सामने है। इस बात का एहसास उन्हें भी है कि अब एक तिहाई कार्यकाल तो बीत गया है लेकिन मोदी नॉमिक्स कुछ चला नहीं, पूरी तरीके से विफल हुआ। आप देखिए कि दो सबसे बड़े जुमले जो सामने आए, काला धन और 15 लाख, उसके बाद का सबसे बड़ा जुमला मुझे लगता है सबका साथ सबका विकास था, जिसके बीच का टकराव आपने एग्रीगेरियन सेक्टर और कहीं ना कहीं जो उद्योगपति पूंजीवाद की बात करते हैं उनके बीच में आपने देख लिया। अब अर्थव्यवस्था को लेकर अपेक्षाएं तो बहुत होती हैं, कहते हैं कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले, लेकिन थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड पर नजर डालकर ही अपेक्षाएं आगे बढ़ानी चाहिए। सबसे पहले तो मैं यही बात कहना चाहूंगी कि रुपया किस तरीके से गिर रहा है हम देख रहे हैं, 68 तक पहुंच गया। सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि राष्ट्र का सम्मान उससे जुड़ा हुआ होता है, वेंटिलेटर पे आ गया है, ये कांग्रेस के समय पे कहा था, आज तो कब्र में पांव लटके हुए हमें दिख रहे हैं। सेंसेक्स इतना क्रैश हुआ, 4.5 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति जो निवेशकों की थी उसको नुकसान पहुंचा। एक्सपोर्ट लगातार डाउन हो रहे हैं। हमने मेक इन इंडिया की बात की तो IIP जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। इंडस्ट्रियल आउटपुट में 3.7% की गिरावट आई है। आप एग्रीकल्चरल सेक्टर की भी अगर बात कर ले तो उसमें भी आप देखिए यूपीए सरकार के समय जो बढ़ोतरी 3.5% की थी वो 0.02% की हो गई है। बहुत ठीक है आप फसल बीमा की बात कर रहे हैं, उस पर शेर सुना रहे हैं। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में एक जिले में 3,000 किसान आत्महत्या करते हैं। MSP का आपका वादा जो दुगना करने का था उसका क्या होता है?
मोदी जी एक बार किसी किसान के घर पे नहीं जाते। मुझे लगता है अर्थव्यवस्था को लेकर ये बड़े सवाल हैं। आज कहा जा रहा है कि फाइनेंशियल डेफिसिट टारगेट, फिस्कल डेफिसिट टारगेट जो है उसको सरकार ने मीट कर लिया, लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट नहीं मीट किया। अब उस पर आप ध्यान देकर देखिए कि जो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम गिरे हैं उसको लेकर जो ऑयल प्राइस बुनैंजा है 2,20,000 करोड़ का, उसको लेकर सरकार दिखा रही है कि फिस्कल डेफिसिट टारगेट पूरा हो गया, लेकिन असल में जो जेब कटी है वो तो आम जनता की कटी है क्योंकि उसे फायदा नहीं पहुंचा। और महंगाई के ऊपर भी आपने, मैं तो कहूंगी, एक हमें खुदा की खुदाई मार गई और दूसरी कमर तोड़ महंगाई मार गई। आप चाहे कितने आंकड़े गिराइए, आप कह दीजिए कि थाली के 2 आइटम सही है, लेकिन दाल के अगर दाम आसमान में पहुंचेंगे, प्याज के दाम आसमान में पहुंचेंगे, तो गरीब आदमी तो रोएगा, मध्यम वर्गीय आदमी रोएगा। और उम्मीद नहीं लगाए मुझे, नहीं मुझे लगता है उम्मीद जरूर होनी चाहिए, लेकिन उम्मीदों की पूर्ति होती हुई इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए जल्दी से जवाब समझ ले ले ताकि हम बाकी उम्मीदों के भी आपके ऊपर बोझ डालें। हम देखिए, मैं समझ पा रहा हूँ कि बहन रागिनी क्यों नाउम्मीद है। स्वाभाविक रूप से जिसके नेता से ही उम्मीद नहीं है तो वो नाउम्मीदी में ही गिरा रहता है। मगर आप एक बड़ी बात देखिए, जब चिदम्बरम साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो एक चिदम्बरम मेथड ऑफ अकाउंटिंग था जिसमें फज्ड आंकड़े इस प्रकार से होते थे। आप फिस्कल डेफिसिट को ही ले लीजिए, इस सरकार का सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा है कि इकोनॉमी बढ़ता तभी है जब आप स्पेंडिंग करते हैं। इस सरकार ने स्पेंड भी किया है और फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल में भी रखा है। मैं टेक्निकलिटीज में नहीं जाता, मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, मगर जो जनता को समझ में आए एक बड़ी बात बता दूं। आपने पेट्रोल के विषय में डिबेट नहीं, मैं कंप्लीट कर रागिनी जी, या तो आप पूरा बोल लीजिए फिर मैं बोलूं। मुझे इसके बाद श्वेता जवाब, अगर आप उनको जवाब देने का मौका देंगे तो मुझे भी, मैं कंप्लीट कर लूं प्लीज। उससे अच्छा हम सबकी उम्मीदें जान लें। लास्ट 20 सेकंड, देखिए 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 रागिनी जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मुझे पूछा गया। जो गड़बड़ हो रहा है उसको वैश्विक परिस्थिति में डाल दिया जाता है। जो वैश्विक परिस्थिति में सकारात्मक चीजें हुई है उस पर नहीं जा रहा हूँ, उसका क्रेडिट आप जनता को समझाने के लिए जा रहा हूँ। मुझे 10 सेकंड दीजिए। वहाँ जनाब ने बहुत सही सवाल पूछा कि अगले साल अगर ऑयल के दाम इतने कम नहीं रहे तो फिजिकल डेफिसिट टारगेट आप कैसे पूरा करेंगे? कंप्लीट कर दूं क्या इसकी गाज सेविंग पे कमीशन पे गिरेगी? क्या इसकी गाज बोलने देना ये उचित नहीं है? आप ये रागिनी जी, ऐसे जवाब आगे लेते हैं, पहले मैं 10 सेकंड बोलूं उसके बाद जवाब ही नहीं देना। रागिनी जी ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, रागिनी जी लड़ना नहीं है प्लीज। मुझे सवाल पूछा गया, मैं जवाब दे। आपको इतना समय गाना गाने का भी समय मिल गया रागिनी जी, आपको उससे आपको उसमें आपत्ति है? मैं कंप्लीट कर लूं। देखिए, जहां तक पेट्रोल प्राइसेस का सवाल, रागिनी जी पेट्रोल प्राइसेस का सवाल है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि पेट्रोल प्राइसेस ग्लोबली घटे हैं। उसका फायदा जनता को कितना मिला? देखिए, एक बड़ा पोर्शन, 25% से अधिक पोर्शन जनता को फायदा मिला। एक बड़ा पोर्शन ग्रामीण सड़क, प्लीज मैडम, कैन आई रिक्वेस्ट यू, कैन आई रिक्वेस्ट यू फॉर कंप्लीटिंग माय पोर्शन? यस, यू हैव गॉट इनफ टाइम टू कंप्लीट योर। वो मैडम डिस्कस कर लेंगे कितना का टाइम किसको दिया। देखिए, बड़ी बात है, ग्रामीण सड़कों पर जो गाड़ी व्यक्ति चलाएगा वो सड़कों पर ही चलाएगा। ग्रामीण सड़क पर अगर कांग्रेस की सरकार ने मात्र 8,000 करोड़ रुपए खर्च किए, इस सरकार ने 16,000 करोड़ रुपए। और मैं आपको बोलता हूँ, जितने भी बजट सरकार के रहेंगे आने वाले समय में या प्रीवियस, ग्रामीण सेक्टर के ऊपर और ग्रामीण सड़क के ऊपर इतना ज्यादा टारगेट उसी के फोकस रहेगा कि उससे जो रूरल सेक्टर है वो आगे बढ़ेगा। और देखिए, जैसा जैसा रागिनी अभी कर रही है यही पार्लियामेंट में कर रही है। जीएसटी भी नहीं आने दे रही है, डिस्कशन भी नहीं होने दे रही है। सरकार की जो दूसरी योजना है ना, जिसकी वजह से हमें लग रहा था उसका भी शायद आंकड़ा यही 2020 तक सबके पास एक मकान होगा, ये सारी चीजें जो कही गई हैं, सर टाउन प्लानर हैं आप, उस दिशा में कदम दिखा है, उस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं हम, जब सबके पास अपना मकान होगा, अफोर्डेबल घर सबके लिए होगा। जो इकोनॉमिक सर्वे में फिगर्स आई हैं उसमें ये कहा गया है कि आज की जो अर्बन पॉपुलेशन है 37 करोड़, वो हो जाएगी 50 करोड़। 60% GDP और 70% जॉब हमें अर्बन एरिया से आएंगे, लेकिन इसमें कई सारी अड़चने हैं। सबसे बड़ी अड़चन ये है कि 6.5 करोड़ आबादी हमारी स्लम्स में रह रही है, करीब 2 करोड़ मकानों की कमी है, और उसमें 95% मकान उनके हैं जो कि बिलो पावर्टी लाइन है, जिसे हम इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस कहते हैं। दूसरा कमी या प्रॉब्लम है कि जॉब्स के लिए स्किल चाहिए, स्किल डेवलपमेंट हमारा जितना प्रॉमिस किया गया नहीं हो पा रहा है। तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स की बात हुई है और कई चीज़ें बात हुई हैं, पानी की, बिजली की, उस पर हमें बहुत ध्यान देना होगा। और चौथी कमी है जो कि अभी हरियाणा में हुआ है,
हमें जो डिसिप्लिन है, अनरेस्ट हो रहा है, सोशल अनरेस्ट, ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा हमारे अर्बन डेवलपमेंट के लिए या इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ अर्बन एंड रूरल एरियाज। तो ये चारों चीजों को हमें अटैक करना होगा। और ये जो बजट होता है टैक्स सेंट्रिक या महंगाई सेंट्रिक, इससे हटके हमें बदलाव की स्थिति में जाना होगा। और इसको मुझे उम्मीद है मोदी जी का मिशन बहुत अच्छे हैं, 75 साल तक सबको मकान मिल जाएंगे, लेकिन इसको ग्राउंड पे डालने के लिए एक बड़ी योजना की आवश्यकता है, बड़ा योजनाबद्ध या जिसे हम कहते हैं प्रोफेशनल बैकअप, उसकी आवश्यकता है, जो कि अभी मुझे नजर नहीं आ रही है कि बहुत है। जी जी, एक तरफ हम सबके लिए मकान की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कई सारे फ्लैट्स जिनका निर्माण हो गया है, जो या तो जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि हमें मिले कब, या फिर ऐसे फ्लैट्स बनकर तैयार हैं और मिल नहीं पाए हैं लोगों को, इन सारी चीजों को देखकर एक बहुत ही विरोधाभास भी नजर आता है। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जब हम लोग हाउसिंग सेक्टर की बात करते हैं तो सिर्फ अर्बन तक सीमित रहते हैं। इनफैक्ट जो हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 जो कहा गया है, जो विजन डॉक्यूमेंट में है, उसका मतलब है कि इंटीग्रेटेड अर्बन हाउसिंग एंड रूरल हाउसिंग। आज तक सरकारों ने जितनी मकान बनाए हैं, चाहे वो इंदिरा आवास के रूप में रूरल हाउसिंग बनाए हो या JNURM के तहत अर्बन हाउसिंग बनाए हो या कई निगम अथॉरिटीज इन लोगों ने बनाए, पब्लिक ने उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया है। वो आम जनता के लिए बहुत सदुपयोगी सिद्ध नहीं हुआ है, क्योंकि जो भी मकान 20-30 साल पहले बने हैं और वो बिल्कुल डिलेपिटेटेड कंडीशन में और गिरने के स्टेज में, तो कहीं ना कहीं अगर प्राइवेटाइज्ड हुआ 1995 के बाद, जब ये सेक्टर का थोड़ा सा जन्म हुआ, तो उसके बाद ये सेक्टर अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज में आने लगे। और अभी पहले तो Tier 1 सिटी से शुरू हुआ, उसके बाद Tier 2, 3 और सेमी अर्बन एरियाज में भी लोग जाने लगे। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो सबसे बड़ा सेक्टर एग्रीकल्चर के बाद इम्प्लॉयमेंट देने वाला सेक्टर है, जो GDP का 8-9% आज के डेट में कंट्रीब्यूटर बन गया है, उस सेक्टर को आज तक किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं मिला। हर बजट में हम लोग बिल्कुल जो ताक लगाए रहते हैं कि जो आम होम बायर हैं उनके लिए क्या सुविधा मिलेगी, क्या उनके इंटरेस्ट रेट्स घटेंगे, जो उनके एक्सचेकर पे जो लोड आ रहा है हर मंथ EMI का वो घटेगा, जो उनके ऊपर टैक्स का लोड है वो घटेगा, मटेरियल की कीमतें घटेगी, जमीन का दाम घटेगा, या जो कॉरपोरेट टैक्सेस है उसमें कुछ सुविधा होगी, या कुछ और गवर्नमेंट के द्वारा ऐसी पॉलिसी होगी कि सेक्टर ग्रो करेगा। आज आपने जो कहा, बस एक सेकंड में, आपने जो कहा यहाँ बिल्कुल विरोधाभास है। एक और तो हमारे यहाँ करोड़ों हाउसिंग की जरूरत है, दूसरी ओर ये डाटा आता है कि घर बने हुए हैं लोग उसे ले नहीं पा रहे हैं। तो मकान की जरूरत है देश में, एस्पिरेंट्स है, जरूरत है, डिमांड है, और हम उसको सप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन गैप कहाँ है? पॉलिसी का गैप है, मॉनेटरी पॉलिसी का गैप है और गवर्नमेंट सपोर्ट का गैप है। वही बजट में हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हाउसिंग सेक्टर के लिए, आम लोगों के लिए, विशेष रूप से मिडिल क्लास के लिए कुछ ना कुछ आना चाहिए। चलिए देखते हैं, मांगे बहुत सारी हैं और इसीलिए लगता है जैसे कि रेवेन्यू कहाँ से आना है सरकार को, तो भाई टैक्स की बात आ जाती है, तो टैक्स को लेकर खुश हो या फिर नहीं हो? श्वेता जी, देखिए अभी आपकी चर्चा चल रही है काफी देर से और मैं देख रहा हूँ हर क्षेत्र से डिमांड आ गई है। एग्रीकल्चरिस्ट को पैसा चाहिए, इरीगेशन के लिए चाहिए, रूरल इंडिया के लिए पैसा चाहिए, महंगाई कम करने के लिए पैसा चाहिए, और इधर हाउसिंग के लिए पैसा चाहिए, उधर डिजिटल इंडिया के लिए पैसा चाहिए, स्टार्टअप के लिए पैसा चाहिए। मैं राजनीतिक डिबेट में नहीं जाना चाहूंगा। जब बजट बनता है तो एक वित्त मंत्री जी के लिए एक बैलेंसिंग एक्सरसाइज होती है। देश को चलाना है, देश को चलाने के लिए इन सब लोगों की डिमांड को मीट आउट करने के लिए पैसा चाहिए, और वो पैसा कहां से जुटाया जाए? अगर टैक्स बढ़ाते हैं तो टैक्स पेयर होता है, और टैक्स नहीं बढ़ाएं तो पैसा नहीं मिलेगा, ग्रोथ के लिए पैसा नहीं आएगा। तो ये एक बहुत बड़ी विचित्र स्थिति होती है, और उसको हैंडल करने के लिए बजट एक एक्सरसाइज की जाती है कि कैसा किया जाए। अभी ये चर्चा आई कि कॉरपोरेट जगत को बहुत कंसेशन दी गई। मेरा ऐसा मानना है कि आज की डेट में लगभग 4 करोड़ टैक्स पेयर हैं 125 करोड़ की जनता के देश में। इसके दो तरीके हैं सोचने के कि ये 4 करोड़ टैक्स पेयर लोग वो हैं जिनको कुछ मिलना नहीं चाहिए, इनको कुछ कंसेशन नहीं चाहिए और इनको कंटेम्प्ट से देखा जाए। एक तरीका यह है कि ये मान के चला जाए कि 125 करोड़ देश की जनता में 4 करोड़ लोग ऐसे हैं जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो मेहनत करते हैं, जो रिस्क लेते हैं,
जो जीडीपी बढ़ाते हैं, जो ग्रोथ लाते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं और 8 लाख करोड़ रुपए इनकम टैक्स में देते हैं। मैं इनडायरेक्ट टैक्स को इसलिए नहीं ले रहा हूं काउंटिंग में, ये मान के चलिए कि इनडायरेक्ट टैक्स की कलेक्शन पब्लिक से हो जाती है, रिकवरी हो जाती है, लेकिन 8 लाख करोड़ रुपए की इनकम टैक्स की कलेक्शन ये 4 करोड़ लोग देके जाते हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि इन 4 करोड़ लोगों को एक नेशन की असेट मान के चला जाए और जब वित्त मंत्री बजट बनाते हैं तो उसमें ध्यान रखा जाए। अब सवाल आता है कि इस बजट से क्या उम्मीदें की जा सकती हैं टैक्स पेयर के लिए और वर्किंग के लिए। ये उम्मीद करना आज की डेट में इस व्यवस्था को देखते हुए, इकोनॉमी व्यवस्था को, कि टैक्स रेट कम हो जाएंगे, वो एक मुश्किल काम है। हाँ, महंगाई बढ़ी है, 10% के करीब महंगाई बढ़ती है, तो हम मान सकते हैं कि जो स्लैब टैक्स स्लैब है वो बढ़ सकता है 2.50 से 2.75 हो जाए। लेकिन उस समय जैसे रेवेन्यू सेक्रेटरी साहब के वो आ रहे हैं और जैसे अभी इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया कि सरकार 4 करोड़ के टैक्स पेयर के बेस को खोना नहीं चाहेगी, क्योंकि अगर वो बढ़ाते हैं तो बढ़ता है, तो उसमें हो सकता है कि 5% का स्लैब एक बीच में क्रिएट होकर आ जाए या वुमेन्स के लिए कोई एक रिबेट निकल कर आ जाए। लेकिन एक और जो आज की डेट में जो इकोनॉमिक सर्वे से बात उभर कर आ रही है, जो मुझे लगता है थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही है, कि ऐसा सोच भी डेवलप हो गया है कि रिवेन्यू फोरगोन की बात होती है, और रिवेन्यू फोरगोन की बात करते हैं तो उसमें एक सवाल आया हुआ है कि आज की डेट में जो ATC में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम प्रोविडेंट फंड की एग्जेम्पशन मिलती है, इस एग्जेम्पशन को रिच क्लास को, एक जैसे संबित पात्रा जी ने कहा, ये एक इंसेंटिव की बजाय ये सब्सिडी में कन्वर्ट हो जाए, ये भी अपने आप में एक भारी सवाल है कि ये मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि आज की डेट में एक आम नागरिक को सोशल सिक्योरिटी स्कीम नहीं है। विदेशों में जहां भी टैक्स लगता है, टैक्स पेयर को आज की डेट में सोशल सिक्योरिटी मिलती है, उसी के अंदर ये ATC की स्कीम है कि 4 करोड़ लोग जो टैक्स देते हैं, सरकार सभी 125 करोड़ को नहीं दे सकती वो स्कीम, उनके लिए एक उन्होंने एक रास्ता निकाला है कि आप 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करिए, 40 से 45 हजार रुपए का जो बेनिफिट मिलता है आपकी सोशल सिक्योरिटी क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि आपने टैक्स दिया आज की डेट में, कल को आपको तकलीफ आती है, आपकी बुजुर्ग होते हैं, तो उस समय आप इस सोशल सिक्योरिटी को यूज कर सकते हैं। तो ये मान के चलना कि ये एक टैक्स सब्सिडी है, मेरे हिसाब से गलत है। दूसरा मुद्दा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी सवाल आया हाउसिंग का, जो इकोनॉमी की ग्रोथ का है, वो है लोन ऑन हाउसिंग, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। ये 1.5 लाख से 2 लाख किया गया, आज की डेट में फ्लैट 20 लाख में नहीं मिलता, 50 लाख से फ्लैट नहीं मिलता। आज की डेट में अगर सरकार इसकी बेनिफिट दे दे तो ये विन विन सिचुएशन है। उसका कारण मैं 3 बताऊंगा, जल्दी से बताऊंगा 3 कारण। एक तो ये है कि टैक्स पेयर की सुविधा नहीं है, सुविधा है कि मोदी जी का जो ड्रीम है 2022 तक हाउसिंग फॉर ऑल, उसको सक्सेस करने के लिए जरूरी है कि लोगों को एनकरेज करा जाए। अगर एनकरेज करेंगे तो रियल एस्टेट की ग्रोथ होगी, रियल एस्टेट की ग्रोथ होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, सीमेंट की डिमांड आएगी, स्टील की डिमांड आएगी, इकोनॉमी ग्रो करेगी, और इकोनॉमी ग्रो करेगी तो उससे टैक्स का जीडीपी बढ़ता है, टैक्स बढ़ता है, तो सरकार को जो इंसेंटिव इसमें लूज हो रहा है 2 लाख से 5 लाख में, वो उसकी भरपाई उससे ज्यादा हो जाएगी। जल्दी से हम एक्सपेक्टेशंस लेके खत्म करें ताकि फिर हम सवाल जवाब शुरू कर सकें। जेटली जी से बहुत एक्सपेक्टेशन है, लेकिन इसमें एक नेगेटिव जो इन्फॉर्मेशन ये आ सकती है कि जो हमारी सर्विस टैक्स की जो परसेंटेज है वो अभी 14.5 है, वो थोड़ा इंक्रीज देखा जा सकता है, क्योंकि अगले साल GST आने वाला है और 14.5 से ऊपर वो 17% के आसपास आप उसको देखेंगे। ये एक बैड न्यूज हो सकता है हमारे मार्केट के लिए और आपके लिए और हमारे लिए, क्योंकि इससे थोड़ा सा इन्फ्लेशन बढ़ेगा। हमारा टोटल GDP का लगभग 53% सर्विसेज से आता है, तो थोड़ा सा इसको बढ़ते हुए आप देख सकते हैं। लेकिन अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो ये एक नेगेटिव हो सकता है, लेकिन इसके साथ बहुत अच्छी चीजें भी आ सकती हैं, जो कि बात चल रही है। अगर मैं हाउसिंग की बात करूं तो ATC में हो सकता है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट पे किया जाता है उसको अलग से बेनिफिट में दिया जा सके, ना कि वो ATC में काउंट हो। उसके अलावा जो पहले से जैसे एजुकेशन और ट्यूशन फी और जितनी चीजें चल रही थी जिसकी लिमिट काफी नीचे थी, उनको हो सकता है कि इंक्रीज किया जा सकता है। एक ये भी आ रहा है कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन 2006 में हटा दिया गया था, सैलरी क्लास को स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जा सके, क्योंकि सर ने बताया कि जो टोटल टैक्स पेयर है अप्रॉक्सिमेटली 4 करोड़ के करीब है, उसमें 1.56 करोड़ सैलरी क्लास से आती है, तो ये डिडक्शन आप उसको देखते हुए उनको दिया जा सकता है, जिससे कि उनके टैक्स कैलकुलेशन में थोड़ी प्रॉफिट हो। और टीयर टू में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो फ्लैट की कीमत बहुत ज्यादा होती है, तो उनको हो सकता है एक्स्ट्रा इंसेंटिव दिया जाए कि अगर टीयर वन में आप हाउस खरीदते हैं और उस पर जो टैक्स का रिबेट मिलना चाहिए वो एज कम्पेयर टू टीयर टू और टीयर थ्री से थोड़ा सा ज्यादा मिलता हुआ देख सकते हैं। समित, हम जवाब लेंगे आपसे, लेकिन सर्विस टैक्स की उन्होंने बात कर दी है, और सर्विस टैक्स यानी कि ये सब जो हम चाय भी सर्व कर रहे हैं सबको, हम यहाँ से जलेबियां निकल रही हैं गर्मा गर्म, तो यहाँ पर ये हमारे सो सॉरी आप बहुत देखते होंगे, वो एनिमेटेड कैरेक्टर्स देखते होंगे, लेकिन सो सॉरी की जो आवाज है, जो वो
लिखते हैं और जो गाते हैं वो यहाँ पर है पंकज शर्मा, अनस और किरण। तो यहाँ पर कुछ हमें इसी के बदले तालियां सुनाई दे दी आपको। महंगाई बढ़ गई है इतनी मुंह से निकले हाय, महंगाई बढ़ गई है इतनी मुंह से निकले हाय, सस्ता कर दो दूध और चीनी ताकि बन सके चाय, ताकि बन सके चाय मजे से भर भर पीवे, ताकि बन सके चाय मजे से भर भर पीवे, लेकिन ऐसी हालत में हम कैसे जीवे। और सुन सकते हो तो सुन लो वित्त मंत्री अरज हमारी, सुन सकते हो तो सुन लो वित्त मंत्री अरज हमारी, रात चलेगा ठीक ठाक जब खुश हो घर की नारी। नहीं, अब सर्विस टैक्स पर भी आएंगे, हम हर चीज पर आएंगे, तब तक एक राउंड चाय भी सबके लिए यहाँ पर हम पेश करते हैं और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं। तो ये तमाम सवाल हम सीधे सीधे दागेंगे और देखेंगे कि हमें जवाब क्या मिल रहा है। अभी एक ब्रेक। बजट की वजह से क्या हम महंगाई पे आगे भी कंट्रोल कर पाएं? सारे शहरों में ओहो, सारे नगरों में किसान हमारा अन्नदाता है, पूरी इज्जत करते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट को प्लीज इग्नोर ना करें। सारे नगर में बोली ये जनता घूम घूम घूम, गरीबों की सरकार है ये मोदी जी ने शुरू में ही कहा है। जनाब आपने कहा था अब गरीबों के घर में चूल्हे नहीं जल पाएंगे, सरकार ने मोदी जी ने किया है वो पहल, मोदी जी ने किया है वो पहल कि अब वो सिलेंडर एलपीजी लेके आएंगे। अब प्यार से ये देश सजा क्यों नहीं देते, बिगड़ी हुई हर बात बना क्यों नहीं देते, कहते हो कि भारत से बहुत प्यार है हमको, महंगाई को भारत से मिटा क्यों नहीं देते, महंगाई को भारत से मिटा क्यों नहीं देते। बहुत इस साल महंगी हो गई है, ईमान से सुनो गोपाल, महंगी हो गई है महंगी सारी सब्जी और शक्कर, उड़द की दाल महंगी हो गई है, उड़द की दाल महंगी हो गई है। देश पर आज देश पर ये कर्म कीजिए, देश पर ये करम कीजिए, देश पर ये करम कीजिए, देश पर ये करम कीजिए, अरे देश पर ये करम कीजिए। अब तो महंगाई कम कीजिए, अब तो महंगाई कम कीजिए, अब तो महंगाई कम कीजिए, खुद बचे ऐसी महंगाई से, खुद बचे ऐसी महंगाई से, खुद बचे ऐसी महंगाई से, इसको जड़ से, इसको जड़ से खत्म कीजिए, इसको जड़ से खत्म। पाठक जी ने कहा था कि सेलिब्रेटरी मूड में ये सारा कुछ हो यहाँ पर,
तो उनकी बातों में और चंद ऐसी बातें हैं जो कह रही हैं कि हाँ मिशन अच्छा है, विजन अच्छा है, लेकिन शिकायतें भी खूब आ रही हैं। और हमने सोचा कि दर्द को भी जरा गाकर बयां किया जाए तो बेहतर होता है। लेकिन जो सवाल यहां से उठे थे उसमें एक और सवाल जोड़कर उसके बाद मैं आप पर आऊंगी और अंशुमन आप पर भी आऊंगी, क्योंकि ये सारे मुद्दे सुनने के बाद आपका आकलन बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए महंगाई की बात हो रही है, मेरा सवाल ये है कि गेहूं, धान और शक्कर, इनका कहां महंगाई है? ये तो खुद ही सस्ते हैं पूरे बाजार में, किसान की स्थिति तो वैसे ही खराब है। और कहां ले जाके मारना चाहते हैं किसानों को, गेहूं, धान और गन्ना पैदा करना? कपास की हालत यह है कि दाम नहीं मिलता। तो ये महंगाई महंगाई महंगाई, ये सब किसान के ही नाम है, किसान तो वैसे ही घाटे में जा रहा है। ये महंगाई की बात जो करनी है वो ये भी सोचिए कि जो उसकी लागत है वो उसको कहां मिल रही है। एक रियल इस्टेट का सवाल मेरा है उनसे, ऐसी जेड की बात है, ऐसी जेड को जितना पहले किया गया उसमें जो रेवेन्यू लॉसेज हुए 1,74,000 करोड़, तो सीएजी की रिपोर्ट कहती है, उसको ऑक्शन कर देना चाहिए सरकार को। और जो महंगे मकान है उन पर ज्यादा ब्याज होना चाहिए, और मीडियम दर्जे तक जो है वो ब्याज दर कम होनी चाहिए। जितना अब ट्रैक्टर किसान लेता है तो उसमें ब्याज दर ज्यादा होती है, फसल के लिए लोन लेते हैं, गन्ना मिल को डाल दिया सरकार लेती है, उत्तर प्रदेश सरकार की बात करूं तो, और 3 साल से भुगतान नहीं करते यूपी जैसी सरकार, तो 2% की जो छूटे वो भी नहीं मिलती। जो संबित पात्रा जी, जो 8.5 लाख करोड़ का जो पिछली बार व्यवस्था की गई थी उसमें काफी पैसा कारपोरेट को चला गया एग्रीकल्चर के नाम पे, ये नहीं होना चाहिए। कृषि का पैसा सिर्फ और सिर्फ किसानों को ही हो, और उसमें ब्याज दर जो है वो छूट उसको होनी चाहिए, अगर किसान ने फसल दे दी उसका कोई दोष नहीं। और तीसरी बात, जो रोजगार के संसाधन है, कृषि ही रोजगार इस देश में दे सकती है। आज भी कच्चा माल 59% लोगों को आता है, बजट में है कितना दे कितने पा रहे, ये तो पहली बार एक अच्छी शुरुआत हुई है कि ई कॉमर्स, और जो क्रॉप इंश्योरेंस की बात की है, सॉयल हेल्थ की बात की है, इरिगेशन की बात की है, ये एक अच्छी शुरुआत 30 साल के बाद हुई है। 35% इरिगेटेड था, आज भी उतना है, बिना सिंचाई के कैसी उत्पादकता, ये तमाम चीजें। तो मेरा ये निवेदन है कि ब्याज की दर कम की जाए और क्रेडिट का पैसा सिर्फ और सिर्फ किसानों को ही हो। और तीसरी बात, जो ट्रैक्टर या मशीनरी लेना चाहता है वो भी क्रॉप लोन की तरह ही हो। और चौथा पॉइंट इसमें यह है कि जो भंडारण की समस्या है इस देश में, वो किसानों को 2% ब्याज दर पर भंडारण के लिए पैसा सरकार मुहैया करे और सरकार उसमें एग्रीमेंट करे, तब भंडारण की समस्या का समाधान होगा, जो बर्बादी हो रही है। और चौथी बात, रोजगार के लिए पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग की व्यवस्था हो, तभी विकास और संसाधन होगा। सबसे बड़ा उपभोक्ता किसान है, जब किसान की जेब में पैसा होगा तभी मेक इन इंडिया और तभी इंडस्ट्री का माल बिकेगा, नहीं तो आप बैठे रहिए, तमाशा चलेगा ऐसे। धन्यवाद, बहुत कड़क सवाल सभा है। वाकई देखिए, जनता का कड़क सवाल होना चाहिए और विनम्रता से सरकार को जवाब देना चाहिए। मैं एक एक करके जवाब देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले चौधरी साहब ने ब्याज के बारे में कहा कि किसानों की ब्याज के दर में कमी होनी चाहिए और किसानों को और बढ़ोतरी मिलना चाहिए। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम फॉर एग्रीकल्चरल क्रेडिट, उसके अंतर्गत 3% वेवर सरकार ने दिया है। 50,000 करोड़ रुपए का क्रेडिट केवल सिंचाई के लिए भी सर ने कहा 50,000 करोड़ रुपए 5 वर्ष में खर्च किया जाएगा। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यह उद्देश्य लेके सरकार चल रही है। दूसरी बड़ी बात एग्रीकल्चर के सेक्टर में, मैंने ग्रामीण सड़क के विषय में आपको कहा सर, क्रॉप इंश्योरेंस के विषय में कहा, मगर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत महत्वपूर्ण है, उसको ध्यान में रखते हुए 25,000 करोड़ रुपए का बजट का आवंटन पिछली बार सरकार ने इस सेक्टर में किया था। और यह सरकार, मैं बता रहा हूं आपको, आप लिख लीजिए, ग्रामीण सड़क को लेकर जितना काम ये सरकार करेगी और कर रही है ये इतिहास रहेगा, ये आज मैं आपको प्रतिज्ञा करके जा रहा हूं। दूसरी बात सर्विस टैक्स की सर ने की थी, ये बहुत क्लैरिफाई करने का विषय है। मुझे नहीं पता कल सर्विस टैक्स बढ़ेगा कमेगा, मैं तो एक छोटा सा प्रवक्ता हूं, मगर जितना मुझे पता है सर्विस टैक्स के विषय में, क्योंकि जीएसटी हमारा उद्देश्य है, स्वाभाविक रूप से ये एकेडमिक इंटरेस्ट है कि जब जीएसटी को लाना है तो सर्विस टैक्स बढ़ाना पड़ता है। ओआरओपी भी आ रहा है, 7th Pay Commission भी है, तो स्वाभाविक रूप से सर्विस टैक्स के ऊपर कल नजर लोगों की रहेगी, मगर जीएसटी आ रहा है यह भी सोच के हमें सर्विस टैक्स के विषय में चिंतन करना है। चौथी बात, हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 का विषय रहा है, इसमें मैं सरकार को बधाई दूंगा कि रियल एस्टेट बिल, आप देखिए यहां एस्टेट के भी लोग बैठे हैं और बायर्स आपके व्यूअर्स के रूप में देख रहे हैं, बायर्स के लिए इस सरकार ने इतना बड़ा दिल दिखाया है रियल एस्टेट बिल लाके, जो अभी पारित होना बाकी है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पारित हो जाए तो अच्छी बात होगी। उसमें जो रेगुलेटर की बात की गई है कि उसमें पेनल्टी भी होगा और रेगुलेटर को एक कड़ा सिचुएशन दिया गया है जिसमें रेगुलेटर पकड़ सकता है गिरेबान से रियल एस्टेटर्स को। रियल एस्टेटर्स के जो
मालिक हैं, जो कंपनीज हैं, उनको बेनिफिट क्या होगा? अगर सब कुछ ट्रांसपेरेंट होगा, इस बिल के माध्यम से सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से जो इन्वेस्टर्स हैं वो और इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि पहले क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन में था, जिसको अंग्रेजी में कहते थे फ्लाई बाई नाइट ऑपरेटर्स, ये कब आके बना के चले जाते थे और मकान का क्या होता था पता नहीं। लेकिन तो ये बताइए ना, 2022 का जो आप लोग टारगेट बार बार देते हैं, ये क्या बचने का तरीका है कि 2019 में भी आप बोल सके? 2022 बोलते हैं आज, 4011 गांव, 4026 गांव हिंदुस्तान में ऐसा है जिसको टारगेट किया जा रहा है। 2011 गांव में काम आरंभ हो चुका है, इसलिए सारे गांव को आंकड़े लेकर हम बात करते हैं। ये कोई दो दिन में हो जाए ऐसा तो हम नहीं कह सकते हैं। अंशुमन जी, आपका काम ज्यादा मुश्किल है क्योंकि दोनों पार्टियों के बीच में आप बैठे हैं, वहां का भी संतुलन बनाना है और बताना है कि बजट का संतुलन बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, क्योंकि जो यहां की जो उम्मीदें आ रही हैं उसमें गांव और शहर के बीच एक सीधी रेखा दिख रही है हमें। श्वेता, जब मैं इसे सुन रहा था तो मुझे लगा कि शायद काश बजट कव्वाली और शायरी जैसा होता, पर एक्चुअली बजट कव्वाली और शायरी जैसा होता नहीं है। कल वित्त मंत्री जब खड़े होकर बजट पढ़ रहे होंगे तो देश में हजारों उद्योगपति और दुनिया के सारे लाखों निवेशक ये देखना चाहते होंगे कि सरकार उन्हें देना क्या चाहती है, जिस पर वो भरोसा कर सकें। और उस हिसाब से मैं मानता हूं कि पिछले 10 साल का सबसे चुनौतीपूर्ण बजट है। इस बजट की पृष्ठभूमि बड़ी महत्वपूर्ण है, हमें समझना होगा जिस पर चर्चा हम कर रहे हैं। पहली, 21वीं सदी की सबसे भयानक रूरल डिस्ट्रेस इसके बैकग्राउंड में है। लगातार 3 फसलें खराब हुई हैं और 3 फसलों की खराबी के पृष्ठभूमि में बजट आने वाला है। दूसरा, जब वित्त मंत्री कल बजट पढ़ रहे होंगे तो उन्हें वो बैंक दिख रहे होंगे अपने सपने में, जो किसी भी समय बस्ट हो सकते हैं, 3 लाख करोड़ के एनपीए पर बैठे हुए बैंक्स हैं। तीसरा, जब वो बजट पढ़ रहे होंगे तो उन्हें दिखाई दे रहा होगा कि पिछले दो साल के मेक इन इंडिया की कोशिशों के बाद भी भारतीय उद्योगपति में इतना भरोसा नहीं आया है कि वो निवेश कर सके, और उसने निवेश नहीं किया है। और चौथे सबसे बड़ी बात, जिस पर ये सरकार आई थी, जिन उम्मीदों और क्रेडिबिलिटी पर, कल जब वो बजट पढ़ रहे होंगे तो भारतीय शेयर बाजार ग्रीस के बाद दुनिया में सबसे खराब रिटर्न देने वाला बाजार हो चुका होगा। ये 4 बड़ी पृष्ठभूमि है। इन 4 बड़ी पृष्ठभूमि में जब वित्त मंत्री कल बजट पेश करेंगे तो उसमें निश्चित तौर पर कव्वाली शायरी नहीं होगी, क्योंकि उस बजट के बाद तय होगा वो मेक एंड ब्रेक बजट होगा। वो बजट तय करेगा कि इसके बाद भारत में लोग निवेश करेंगे, कितने लोग ट्रस्ट करेंगे, और अगर इसको आप फैला लें इन 4 चीजों को, तो इनमें आपका रोजगार भी सिमट आता है, इनमें आपका सर्विस टैक्स भी सिमट आता है, इनमें आपका टैक्सेशन भी सिमट आता है। और जिसकी बात अभी संबित भाई कह रहे थे कि हमने पिछले 1.5-2 साल में भारत में इनडायरेक्ट टैक्सेशन में लगातार बढ़ोतरी देखी है, और अगले साल जब सरकार खड़ी होगी तो उसे 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज पे कमीशन के लिए देना होगा, उसे और भी देना होगा, और उसके साथ उसे यह भी तय करना होगा कि वो जो फॉरेन गैलरी है जहां जाकर हम लगातार भारत की मार्केटिंग कर रहे हैं, उसे हम दिखा सके कि हमारे बजट के आंकड़े भरोसेमंद है कि नहीं, और हमारी उम्मीदों के नीचे जो किले हैं उनके नीचे कितनी बुनियाद रखी हुई है। बहुत 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 अहम बात जी, मैं चाहती हूँ कि मोदी जी की दुकान से एक बार बोल लें ताकि आप एक साथ जवाब दें उनके, क्योंकि यहां से भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठते हैं जिनको लेकर डर भी बनता है। अगर वाकई उन निवेशकों को कल के बजट की तरफ नजर उठाकर वो देखेंगे और उसके बाद ये तय होगा कि भाई मोदी जी की ये दुकान चलेगी कितनी, क्योंकि इस पर बहुत कुछ आने वाले साल आधारित हैं, मोदी जी की छवि भी इससे जुड़ी हुई है, क्योंकि एक बहुत बड़ा सपना मेक इन इंडिया के तौर पर हमने देखा है। ये छवि का सवाल नहीं है, ये सवाल देश के विकास का है। सवाल ये है कि इस देश में लोगों को तरक्की कैसे मिलेगी। आज हम इस बाजार में देख रहे हैं कि हर किसी को कुछ ना कुछ चाहिए, सरकार मुहैया कैसे कराएगी? तो मैं उस सवाल को एक जवाब देना ये चाहता हूं कि हमें अपना टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना पड़ेगा। आज हम सब जानते हैं इस देश में पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, हर कोई जानता है कि एक इकोनॉमी है जो टैक्स नहीं देती है। अगर हम उस टैक्स की तरफ बढ़ें और उस टैक्स को कलेक्ट करें तो सब लोगों को कुछ ना कुछ मिलने की अच्छी उम्मीद हो सकती है। सब सरकारों ने चाहा कि जीएसटी बिल आ जाए, वो एक ऐसा रिफॉर्म है जिससे टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, जितना भी ब्लैक मनी है वो बिल्कुल खत्म होगा। आज बाजार में आप जाइए, कुछ खरीदने जाइए, आप कहते हैं बिल दे दो, दुकानदार कहता है कि आपको बिल चाहिए तो एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। ये क्या है? ये पैरेलल इकोनॉमी है। जिस दिन आप ये जीएसटी को ले आइएगा, ये पैरेलल इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, और ये जरूरी है कि इसको खत्म किया जाए, ताकि एक वित्त मंत्री के लिए ये जरूरी हो जाए कि ज्यादा टैक्स कलेक्शन हो, बेस बढ़ जाए, और 5% लोगों की बजाय 20% लोगों का टैक्स देना। कॉर्पोरेट्स की बात हो रही है, मैं कॉर्पोरेट्स की एक कमी बताना चाहूंगा। कॉर्पोरेट्स टैक्स देते हैं, कॉर्पोरेट्स रोजगार देते हैं, बट बेचारे गरीब कॉर्पोरेट्स की दिक्कत क्या है? मैं एक कंपनी चलाता हूं, हमारे पास वोट नहीं है। ये हमारी बहुत बड़ी समस्या है इस इकोनॉमी में। और संबित भाई से एक चीज पूछना चाहूंगा, इनडायरेक्ट टैक्स एक्साइज कितने बार बढ़ाया जाएगा? पेट्रोल और डीजल पे याद है आपको, बार बार आप टैक्स बढ़ाते रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल $115 पर बैरल से $30 पर बैरल आ गया।
आपने पेट्रोल जिससे स्कूटर चलता है आम आदमी का, ट्रैक्टर चलता है डीजल से, कितने बार उस पर टैक्स बढ़ाया है? और 10 सेकंड और, रागिनी जी, जीएसटी क्यों नहीं पास होने दे रहे? अगर रेट की बात है, रेट तो बाद में भी चेंज हो सकता है, जीएसटी अगर आपने शुरू किया था, कम से कम जनता को, देश को उसका फायदा तो उठाने दीजिए। रेट तो कभी भी कम हो जाता है, उस चक्कर में क्यों उसे ब्लॉक कर रहे हैं? जल मेहता, हम आपके पास आएंगे, लेकिन रागिनी जी आप जवाब भी देना चाह रही थी। देखिए, दो तीन बातें मैं यहाँ पर रखना चाहूंगी। सबसे पहले यहाँ पर बैठे सज्जन ने बात उठाई कि किस तरह से कॉरपोरेट सेक्टर को 42,000 करोड़ रुपए का टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है, पर आत्महत्या करते हुए किसानों का लोन वेवर नहीं होता है। पहले जीएसटी का जवाब आप जवाब दूंगी, मुझे हाँ। मुझे मौका तो देने, हाँ। जो सवाल अभी जो बात संबित पात्रा जी ने रखी है, कुछ उस पर मैं कह दूं। 72,000 करोड़ रुपए का लोन वेवर कांग्रेस सरकार ने दिया, और इसी में फर्क पता चलता है कि किस तरह से ये सूट बूट की ही सरकार है, जो कि सबका साथ सबका विकास नहीं चाहती है। और इसी के साथ कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ भी देखें अगर, तो ये भाई साहब भी कह रहे हैं कि इन्हें भी परेशानी है। आईआईपी डाउन है, मैन्युफैक्चरिंग डाउन है, एक्सपोर्ट्स डाउन है, इम्पोर्ट्स डाउन है, क्रेडिट ग्रोथ डाउन है। कॉर्पोरेट सेक्टर में भी चुनिंदा कुछ मित्रगण ऐसे हैं जिनको फायदा पहुंचाया जा रहा है, अन्यथा दोनों ही वर्ग जो है वो परेशान है इस सरकार और इस सरकार के टैक्स स्ट्रक्चर से। एक और बात यहाँ पर सामने आई कि इकोनॉमिक सर्वे ने भी कहा कि इनडायरेक्ट टैक्स करीब करीब 35% सरकार ने बढ़ाया है। तो मैं तो समझती हूँ कि हर तबके की जेब पर वार हो रहा है। अब जीएसटी की बात कर लें, बिल्कुल सही कहा, जीएसटी को आकार देने वाली कांग्रेस पार्टी है, स्वरूप देने वाली कांग्रेस पार्टी है। हम जीएसटी का विरोध नहीं कर रहे हैं, जीएसटी के कुछ प्रावधान जो कि उसकी आत्मा पर प्रहार कर रहे हैं उसको लेकर हमारी समस्या है। और अंत में आकर यही दिक्कत होती है कि ये संवाद के जरिए, समन्वय के जरिए उन प्रावधानों पर एक आम सहमति बनाकर क्यों नहीं काम। अब उसमें एक ही चीज मैं बोलूंगी, सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक सीलिंग कैप क्यों नहीं लगा दिया जाता इसको लेकर। जीएसटी भी इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स बहुत रिग्रेसिव होता है, आम आदमी की जेब पर ज्यादा उसका प्रहार होता है, तो क्यों एक अनफेयर बर्डन आना पड़े? और उस पर बार बार ये सवाल उठता है कि बड़ा अनयूजुअल है कॉन्स्टिट्यूशन में इसको लाना। तो मैं वो भी बता दूं कि आर्टिकल 276(2) में जो प्रोफेशन के ऊपर टैक्सेशन है उसका एक हाई सीलिंग कैप लगाया हुआ है 25,000 रुपए प्रति एनम का। तो ये नहीं है कि बहुत अनयूजुअल बात है, लेकिन मंशा क्या इनकी भी है कि जीएसटी आ जाए? मंशा क्या इनकी भी है कि विपक्ष की बात सुनी जाए? आपके जवाब से पहले मैं वेद जैन जी से जान लेती हूं। मैं अपने हमारे टैक्स मास्टर से जान लेते हैं कि जीएसटी को लेकर जो आशंकाएं रागिनी रख रही है यहाँ पर, उन चीजों से परे क्या ये हकीकत नहीं है कि जीएसटी अगर आ जाए तो शायद जो महंगाई जिसकी बढ़ती की बात कर रहे हैं वो सारी चीजें कम होंगी? देखिए श्वेता जी, एक बहुत राजनीति डिबेट में जाने के बजाय एक अच्छा सवाल जो आ रहा है। देखिए, सब लोगों की डिमांड है कि उनको पैसा चाहिए, उनको कंसेशन चाहिए। अगर पैसा चाहिए, टैक्स कंसेशन चाहिए, रोल की बात हो रही है, रागनी जी ने भी कहा कि डिक्लाइन है, इकोनॉमिक डाउन है, हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि आज की विश्व की इकोनॉमिक व्यवस्था क्या है, स्थिति क्या है। पेट्रोलियम प्राइसेस डाउन होने का मतलब कंट्री को बेनिफिट हुआ है इंपोर्ट पे, लेकिन साथ के साथ ये मानना पड़ेगा कि वर्ल्ड की इकोनॉमी बहुत सीरियसली अफेक्टेड है। वर्ल्ड की सीरियस इकोनॉमी अफेक्ट होने की वजह से ओवरऑल डिक्लाइन है, और इंडियन इकोनॉमी अभी भी उसी के मुकाबले में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो एक्सपोर्ट का जो डिक्लाइन हो रहा है, ये हो रहा है, इस समय इसकी सख्त जरूरत है कि हम आज की डेट में अपनी इकोनॉमी के अंदर कॉन्फिडेंस को मेंटेन करें। और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि फिस्कल डेफिसिट का जो बात डिबेट हुई नहीं है उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर आपकी इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो आपकी इकोनॉमी के अंदर जो आज की डेट में व्यवस्था नजर आएगी ये सर्वाइव नहीं कर पाएगी। जो जीएसटी का सवाल है, मुद्दा मेन मुद्दा है, मेरा सिर्फ एक सवाल है। हम सब लोग बाहर बैठ के ये कहते हैं कि जीएसटी एक अच्छी चीज है, जीएसटी इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है, जीएसटी हमारी जीडीपी को कम से कम 1% से बढ़ा देगा, लेकिन जब हम पार्लियामेंट के अंदर जाते कहते हैं तो हम कहते हैं इसको पास नहीं करेंगे। लेकिन जो एक मुद्दा 18% पे मेरे हिसाब से जो अटका हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन चाह रहे हैं कि 18% रखा जाए या नहीं रखा जाए, ये मेरे हिसाब से इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जिसके लिए इतने अच्छे सुधार को रोक लिया जाए। दोनों पार्टियों को बैठ के इसके लिए रास्ता निकालना चाहिए। 18% ऐसा कोई सैक्रोसेंट नहीं है कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन में रखा जाए नहीं रखा जाए, क्योंकि अगर कभी रेट बढ़ाना भी पड़ा 18% से तो फिर भी पार्लियामेंट के पास तो आना ही पड़ेगा,
सिर्फ सवाल इतना है कि वो फिस्कल बिल होने की वजह से, फिस्कल कॉन्शियस होने की वजह से शायद लोकसभा से ही पास हो जाए, राज्यसभा की शायद जरूरत नहीं पड़े, इस वजह से शायद ये डिबेट अटकी हुई है। देखिए पहले बिल्कुल आपने सही कहा कि ग्लोबल परिस्थिति को समझना पड़ेगा। मैं तो आपके कैमरामैन को कहूंगा कि इसको जूम करके दिखाए, जिस ब्रिक्स के बारे में नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि उस ब्रिक्स की परिस्थिति को देखिए। यह ब्रिक्स की परिस्थिति पहले थी जहां लाल चाइना कितना आगे था, हम पीछे थे और बाकी सारे कंट्रीज आगे थे। आप देखिए अब बाकी सारी कंट्रीज धराशायी हो चुकी हैं, चाइना भी नीचे गिर गया है, मगर इंडिया इज सर्जिंग अहेड। यह अपने आप में छोटी बात नहीं है, क्योंकि मैं ड्राइंग के माध्यम से दिखा रहा हूं ताकि साधारण लोग इसे समझ सके कि इतनी विपरीत हवा में भी हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है वो कैसे आगे बढ़ रही है, थैंक्स टू द विजन ऑफ मिस्टर मोदी। दूसरी बात एनपीए की बात हुई, एनपीए बहुत डिस्कशन में है आजकल, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। देखिए यहां बुद्धिजीवी बैठे हैं, हर कोई जानता है कि किसी प्रोजेक्ट को एनपीए बनने में कम से कम 2 वर्ष तो लगता ही है। तो थैंक्स टू रागिनी जी एंड द पार्टी ऑफ कांग्रेस की किस प्रकार की विरासत हमें मिला है, उस विरासत को हमें समेटना है, सवारना है। जीडीपी की विरासत भी आपको मिली। मैडम प्लीज, मैडम मैं हाथ उठा के बोल रहा था, मेरी बार आप भी हाथ उठा के टाइम मांगिए। तीसरी बात, आपने यहाँ पे बड़ा विषय आपने रखा कि क्या एग्रीकल्चर गरीब एक लाइन खींच गई है अमीरों और गरीबों के बीच में। मैं आपको बोल रहा हूँ दिस गवर्नमेंट इज मैसिवली प्रो पुअर एज वेल एज मैसिवली प्रो मार्केट। ये आप मार्केट को और गरीबों को अलग अलग मत कर दीजिए, दोनों को आगे बढ़ाना है साथ में। अगर मार्केट ठीक नहीं होगा तो बाकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कहां से होगा, एम्प्लॉयमेंट तो यहीं से आना है, दोनों चीजों के समन्वय को बना के आगे बढ़ना है। 2.5 करोड़ नौकरियां आप देने वाले थे, 10,000 तक टारगेट पहुंचा नहीं। आप दिक्कत, श्वेता जी एक जल्दी से, दिक्कत ये है कि वादे करना बहुत आसान है। आप नौकरियों की आज हालत देखें, 2.5 करोड़ का जो वादा था 10,000 तक भी टारगेट नहीं पहुंचा। आप स्किल इंडिया की बात देखें, इकोनॉमिक सर्वे ने फिर दिखाया कि स्किल डेवलपमेंट में जो करंट हमारे पास बहुत सीवियर क्वालिटी गैप आ रहा है। मैंने मेक इन इंडिया के बारे में आपको बताया कि IIT किस तरीके से डिप कर रहा है। जनधन योजना में 32% खाते ऐसे हैं जिनमें 1 रुपया भी नहीं है। 62 लाख 2 करोड़ टॉयलेट बनाने की बात पिछले बजट में हुई थी, 62 लाख टॉयलेट बन पाए हैं। तो आप आज प्रतिज्ञा ले लीजिए, लेकिन आपका ट्रैक रिकॉर्ड जो रहा है उसी के हिसाब से तो देखा जाएगा ना कि आगे भी आप किस तरीके से पूर्ति करेंगे वादों की। अच्छा, सवाल मैं पूछ रहा हूँ और कह भी रहा हूँ, एक्चुअली जब से बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ, हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नहीं है जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है या प्राइवेट बैंक से जिनकी स्थिति खराब रही है। मुझे एक सवाल का जवाब पूछना है कि पहले एनपीए 6 मंथ था, पहले बैंक बहुत लिबरल लोन्स देती थी, आज एनपीए को घटा करके 3 महीना कर दिया गया, 3 महीना करके फिर SMA 1 SMA 2 हम यूरोपियन कंट्री से चुरा के अपनी मॉनेटरी पॉलिसी इंडिया में थोप दिए, जहां पे लेंडिंग रेट 2%, 1.5% एंड 3% है, यहां का लेंडिंग रेट 16% है। हाउ कस्टमर कैन बी ट्रीटेड इक्वली? आज हिंदुस्तान का जो भी लोन पे ही है वो देना पड़ता है, जो हमारा मिडिल क्लास है वो सबसे ज्यादा सफर कर रहा है। कॉरपोरेट, जो बहुत बड़े कॉरपोरेट की बात मैं कर रहा हूं, जहां लोन डिफॉल्ट हुआ उससे अब सभी लोगों की तुलना ना करें। आज मीडियम इंडस्ट्री, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री बहुत स्ट्रेस में है, इसलिए कि आपने मॉनेटरी पॉलिसी और गवर्नमेंट पॉलिसी में कोई सामंजस्य नहीं है। बैंक का फिजिकल हेल्थ उतना खराब नहीं है जितना बोला जा रहा है, सभी बैंक के पास सरप्लस पैसे हैं, लेकिन जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है बिटवीन द गवर्नेंस एंड द पॉलिसी मेकर्स, वो गैप पूरे हिंदुस्तान के इकोनॉमी को प्रभावित कर रहा है। आज के टाइम में लोगों को बाहर, जो देश से बाहर जितनी भी इन्वेस्टर्स हैं, FDIs हैं, उनके ऊपर इंप्रेशन ये जा रहा है कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर रहा है। अच्छा, थोड़ा मैं बस रीजन सिर्फ इतना है कि आपने 2 साल में रीस्ट्रक्चरिंग बंद कर दिया। अगर रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे तो एनपी हो जाएगा, तो आखिर जब पूरा ग्लोबल रिसेशन है, इंडिया उससे इंसुलेटेड नहीं है, तो क्यों नहीं आज फ्रांस इकोनॉमिक इमरजेंसी अपने कंट्री में लागू कर दिया। इससे पहले जो सरकार थी उसने विदेश की स्थिति एक तस्वीर है और उसकी तुलना में हिंदुस्तान की स्थिति पैकेज दिया था जी, स्टिमुलस पैकेज दिया था। तो आज मेरा ये कहना है कि इस बात का ये आकलन करते हुए कि बैंक की फिजिकल स्थिति खराब है या एनपीए हो रहे हैं, आप हाथ पांव जोड़ दें और सामने खाना रख दें, बोलिए खाइए, कोई कैसे खा सकता है? बैंक की स्थिति आज वही है। मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा, एक तरफ किसानों की बात हो रही है और एक तरफ बड़े कॉर्पोरेट्स की बात हो रही है। इंडिया में 5 करोड़ छोटे और मंझले कारोबारी लोग हैं। अब
सभी लोग कह रहे हैं कि उनको भी पैसा चाहिए, उधर भी सब्सिडी चाहिए, इधर भी इंसेंटिव चाहिए। साहब हम छोटे और मझले उद्योगों को हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इतना कर दीजिए कि हमें पेपर वर्क से थोड़ा छुटकारा दिला दीजिए। अगर आपके पास चार तरह के टैक्सेस है तो उनको मर्ज करके दो कर दीजिए। एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट, वित्त मंत्री जी ने पिछली बार मानी थी, उन्होंने क्या किया था, मैंने कहा था कि जो आपके एजुकेशन सेस हैं और हायर एजुकेशन सेस हैं उसको मर्ज कर दीजिए टैक्स में, ताकि अलग से लाइनों में कैलकुलेशन ना करनी पड़े, और उन्होंने वैसा किया भी था। एक्साइज ड्यूटी को और सर्विस टैक्स को राउंड ऑफ कर दिया था 14% और 12.5% पर, लेकिन उसके थोड़े दिन के बाद एक फिर से नई बात शुरू हुई और इस बार उसका नाम दे दिया गया स्वच्छ भारत सेस। अब वो 0.5% फिर बढ़ा दिया गया है, और इस बार ही वो 14.5% नहीं कर दिया गया है सर्विस टैक्स को, उसको उठा करके 14% और 0.5% सेस अलग से कर दिया गया है, वो भी नॉन सेनवेटेबल टैक्स बनाया गया है। तो मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि अगर हम दो कदम आगे बढ़ेंगे और एक कदम पीछे गिरते रहेंगे तो इस तरह से हम छोटे कारोबारियों को टैक्स देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनसे सीधे तरीके से टैक्स लें, अलग अलग पेपर ना सोच कर ही आगे बढ़ना है, उसी संतुलन की हम बात कर रहे हैं। जनरल मेहता की जल्दी से बात। मैं आज तक के माध्यम से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि सबकी बात सुनी जा रही है, लेकिन इस डिबेट में आप रक्षा को ज्यादा गंभीरता से आपको लेना चाहिए, और जिस गंभीरता से लेना चाहिए वो मैं 25 साल से ये बजट का स्पीच सुनता हूँ, और जो वित्त मंत्री हैं वो खड़े होके बोलेंगे कल कि फलाना फलाना 10% बढ़ गया है या 12% बढ़ गया है बजट डिफेंस का, और अगर पैसा चाहिए, जितना भी पैसा चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं, वो पूरा सदन तालियां बजाता है, क्योंकि हमारे जवान सियाचिन पे बैठे हैं, सबको आप आश्वासन देते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं मिलता, कुछ पैसा नहीं मिलता, उसके बावजूद पैसा लौटाना पड़ता है। पैसा क्यों लौटाना पड़ता है, क्योंकि मैं जानता हूं, एक डिफेंस सेक्रेटरी ने मुझे बताया कि जब फिस्कल साल के आखिर जनवरी फरवरी में जब फिस्कल डेफिसिट को मिलाना पड़ता है तो पैसा आप वापस 10,000 करोड़ से 12,000 करोड़ वापस जाता है, और ये चीज रुकनी चाहिए। ये अहम सवाल उठा रहे हैं, हम इसी सवाल के साथ लौटेंगे। एवरी ईयर ये पैसा वापस जाता है। हम इसी सवाल के साथ लौटेंगे, क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है साल दर साल, इस ब्रेक के बाद चर्चा हमारी इसी। क्या जमाने की आज हालत है, अपने रब से हमें शिकायत है, आज इस देश में है महंगाई, अब गरीबों पे आई आफत है, अब गरीबों पे आई आफत है, ऐसी महंगाई अब बढ़ गई है, जो बताने के काबिल नहीं है, जो बताने के काबिल नहीं है, महंगाई अब बढ़ गई है, जो बताने के काबिल नहीं। अब तो हर आदमी इस नगर में, अब तो हर आदमी इस नगर में, अरे घर चलाने के काबिल नहीं है, घर चलाने के काबिल नहीं है, शहर में आज आकर के देखो, शहर में आज आकर के देखो, लोग कितने परेशान हुए हैं, लोग कितने परेशान हुए हैं, हादसे उनके घर में है ऐसे, हादसे उनके घर में है ऐसे, और जो सुनाने के काबिल नहीं है, जो सुनाने दरअसल यहाँ पर कव्वाली में मुद्दा अभी भी महंगाई का है, लेकिन जिस मुद्दे पर हमने खत्म किया था वहां से हम शुरुआत करते हैं कि जो आवंटन होता है, जहां पे हम डिफेंस की बात कर रहे हैं, आवंटन है वो भी लौट जाता है,
संबित जी, देखिए जहां तक डिफेंस का सवाल है, मैं आर्टिकल पढ़ रहा था कि जो मोदी जी का कार्यकाल रहा है बतौर प्रधानमंत्री, दैट इज अ गोल्डन एरा ऑफ इंडियन डिफेंस। राफेल का उदाहरण मैंने पहले भाग में दिया था, आप तेजस का उदाहरण भी लीजिए। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हमारे पास नहीं था, जिस प्रकार से तेजस को प्रोक्योर करने की बात हुई, ओआरओपी 40 वर्षों से वो प्रॉमिस चल रहा था, ओआरओपी जो अब फुलफिल हुआ है ये अपने आप में बड़ी बात है। 56 लाइसेंस प्राइवेट कंपनीज को दी गई है मेक इन इंडिया को साकार करने के लिए, और ये वन ऑफ द सबसे बड़ा अचीवमेंट रहेगा मोदी सरकार का कि आप देखिए मेक इन इंडिया के माध्यम से डिफेंस को आगे बढ़ाया जाए। मुझे लग रहा है मेरा ख्याल है कि जो सवाल उनका है वो जरा जो सवाल था मेरा कि जो थोड़ा सा पैसा मिलता है मॉडर्नाइजेशन के लिए, नए हथियार खरीदने के लिए, उसमें से साल के आखिर में पैसा लौट जाता है, हर ईयर ऑन ईयर, कोई ऐसा साल नहीं गया पिछले 15-20 साल में। ये सिर्फ आपकी सरकार नहीं है, ये हर सरकार के साथ ये ऐसे होता है। तो ये पहला, आप लोगों को रक्षा के जब सुधार आप करवाएं, इस चीज पर नजर करनी चाहिए कि ये पैसा पहले तो कम होता है, और जो कम होता है उस वो भी लौटा दिया जाता है क्योंकि हम खर्च नहीं कर पाते, या नॉर्थ ब्लॉक से इशारा आता है कि भाई ये लौटा दीजिए। और आपने मेक इन इंडिया की बात की, एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम था 126 राफेल का, अब आप 36 पे आ गए, वो मेक इन इंडिया था, अब उसको रद्द कर दिया गया, 10 साल के बाद कुछ दस्तखत होने की उम्मीद थी वो रद्द हो गया, अब 36 के बारे में आ गया, अब मेक इन इंडिया तो आपने खुद ही रद्द कर दिया। तो ये बात दुरुस्त है कि आपकी सरकार बात अच्छी करती है, लेकिन बात के ऊपर अमल भी करना चाहिए। और आपको रक्षा मामलों के बारे में क्योंकि बहुत उम्मीद है इस देश को, तो आप को इसके ऊपर और कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए मैं बिल्कुल समझता हूं कि स्वाभाविक रूप से प्रश्न ज्यादा पूछे जाएंगे और मैं इसका कदर भी करता हूं। जहां तक फिस्कल डेफिसिट के बारे में कहा, वाकई मैंने आपको कहा था कि द डेज ऑफ चिदंबरम अकाउंटिंग मेथड ओवर, वो चिदंबरम साहब का अकाउंटिंग मेथड था जब कुछ डिक्लेयर किया जाता था और साल के अंत में पैसा लाओ किया जाता था, और इस बार 3.9 आप अपने समय पर जरूर, इस साल भी 12,000 करोड़ पैसा लौटाया गया। इतने सवाल इस साल भी तो मैं जवाब दे दूं को लेकर आप उसकी पूर्ति कैसे कर पाए हैं वो भी उस पर भी जरा जवाब देता हूं कैसे पूर्ति मैं बताता हूं। आप अगर फिस्कल डेफिसिट के विषय में आप मुझसे पूछेंगे तो मैं उसका भी जवाब दूंगा कि फिस्कल डेफिसिट कैसे कंट्रोल किया। 40% एफडीआई बढ़ा, स्वाभाविक रूप से अगर 40% एफडीआई बढ़ी है तो उसका फायदा होगा। अब मैं कंप्लीट नहीं हुआ ना, मुझसे प्रश्न पूछा गया है, मैं सबके प्रश्नों का जवाब दूं। आपने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के विषय में पूछा है मुझे, आप देखिए किस प्रकार स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाना है। मुद्रा एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके माध्यम से साधारण व्यक्ति को, माइनॉरिटीज को, दलितों को किस प्रकार अपने पैरों पे छोटे छोटे इकाई खोल के खड़े होने का मौका, 2 करोड़ लोग इसके बेनिफिशियरी हैं, 1,00,000 करोड़ रुपए अभी तक वितरित हो चुका है। स्वाभाविक रूप से छोटे छोटे जो कारोबारी हैं उनके प्रति मोदी सरकार का पूरा ध्यान है। ऑयल के विषय में आपने पूछा कि बड़ा फायदा हो रहा है, बार बार इस पर टैक्स लगाया गया है एक्साइज के रूप में, ये आखिर पैसा कहां जा रहा है? देखिए श्वेता जी, ये समझाना बहुत जरूरी है। 4 तरीके से सरकार इस पैसे को खर्च करती है। एक तो कंज्यूमर को देना 1% बेनिफिट के रूप में पैसे कम करके, दूसरा मैंने जैसे आपको कहा ग्रामीण सड़कों पे जो कि ठप हो चुका था, हाईवे बिल्कुल ठप था, उस पे खर्च करना अनिवार्य है। तीसरा है जो ऑयल कंपनी है, जो ऑयल कंपनी, वो सड़क पे भी तो कंज्यूमर ही चलेगा, वो सड़क पे भी कंज्यूमर चलेगा, याद रखिए 20,000 करोड़ में से 40,000 करोड़ रुपए वो सड़क पे कौन चलेगा? आज तक पे आई है कैसे? आप ये महंगाई, इतनी बार महंगाई पे कवाली क्यों हो रही है? खर्चा हुआ है वो, आप लोगों ने सड़क पे गड्ढे बनाए, हमने गड्ढों पे सड़क बनाई, ये फर्क है। गड्ढे और सड़क छोड़ दीजिए, आप ये जितने लोगों ने सवाल पूछे हैं वो इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप जवाब को देने की जरूरत है मैडम, खरा नहीं उतर पा रहे। वो सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि उनको पता है आप लोगों ने 65 वर्षों तक क्या किया। आप बजट आवंटन की बात कर रहे हैं, शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में 14.5% आपने पिछली बार 65 वर्षों तक बोला, अब हमें बोलने दीजिए।
आप शिक्षा के क्षेत्र में बताइए। देखिए वो मनमोहन थे, ये मोदी हैं, ये फर्क जान लीजिए। हाँ मोदी, ये मनमोहन थे। मनमोहन जी बिना बोले बोलते काम ज्यादा करते थे। 14-15 लाख करोड़ रुपए खा गए देश के, ये काम करते थे। अरे तो आप 14-15 लाख राजनीतिक आरोपों पर आ जाए तो ऐसा ही आरोप आप लगाते रहे। कितना पैसा अकाउंट में पहुंचा है ये बताइए। उचित बात नहीं, मैं एक बार बता दूं, सर ने कहा कि कल आरोप लगाते रहते हैं। कल वित्त मंत्री खड़े होंगे, क्या कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे? मैं आपको बताता हूं, बजट के बारे में मैं नहीं जानता, वित्त मंत्री जानते हैं। मगर कल जब वित्त मंत्री खड़े होंगे और वो देश के लोगों से आंखें चार करेंगे, वो कॉन्फिडेंस के साथ, एक 54 देश का नहीं खाया है इस सरकार ने, पिछली सरकार ने 14-15 लाख करोड़ रुपए खाए थे, इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ, किसी के जेब में छेद नहीं किया है इस सरकार ने, किसी का 54 नहीं लूटा है इस सरकार ने, इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ आप मिला के आगे बढ़ेंगे। निर्लज्जता होता है 1,75,000 करोड़ रुपए लूट लेना। अच्छा संबित जी, अगला कंसर्न सुन लीजिए। करोड़ रुपए लूट लेना, संबित जी अगला कंसर्न सुन लीजिए, मोदी जी की दुकान से अगला कंसर्न सुन लीजिए। जी मैं ये कहना चाहूंगा, मैं आश्चर्य हूँ कि हमने सबकी बात की, मेक इन इंडिया की बात की, एग्रीकल्चर की बात की, लेकिन जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा, मैं डॉक्टर हूं तो मुझे लगता है हेल्थ केयर है। हेल्थ केयर पे इस सरकार ने, मेरा अपना मानना है, इस सरकार ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, लेकिन हेल्थ केयर एक ऐसा एजेंडा है। आज भी हमारे देश का जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा वीक है। हमारे पास कोई यूनिवर्सल इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है। हमारे पब्लिक हॉस्पिटल्स की हालत आप और मैं सब जानते हैं कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है। मैं मानता हूं एम्स एक ऐसा हॉस्पिटल है जहां पे इन लोगों ने काफी ज्यादा एफर्ट्स डाले हैं, लेकिन स्टिल हमारे पब्लिक हॉस्पिटल्स। और एक दूसरा है एजुकेशन, जो हमारी नींव बनाता है, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एंड बेस ऑन फोकस होना चाहिए, वो एजुकेशन है। मैं चाहता हूं ये दो चीजें हैं जो बस ये हेल्थ केयर पे एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। पिछले वर्ष जेटली साहब ने एक वायदा किया था, एक स्कीम होती है ईएसआई स्कीम, एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम होती है हेल्थ केयर की, जो कि सभी को मालूम है कि बिल्कुल बेकारगर हो रही है और काफी बेकारगर एक तरह का स्कैम बनता जा रहा है, जिसके ऊपर उन्होंने कहा था कि हम उसको ऑप्शनल कर देंगे और उसको प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस जो आ गए हैं तो आप कोई एम्प्लॉय चाहे या एम्प्लॉयर चाहे तो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस के पास जा सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि उसको ईएसआई के पास जाना जरूरी है। उस डायरेक्शन में अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ है। जो पीएफ और एनपीएस को भी जो ऑप्शनल किया गया है, उस डायरेक्शन को भी सिर्फ अनाउंस करके छोड़ दिया गया है, कोई काम नहीं किया गया है। तो समित भाई उसके ऊपर तुरंत जवाब दे दे प्लीज। मैं क्योंकि डॉक्टर हूं और डॉक्टर ने एक प्रश्न पूछा सर 10 सेकंड में, क्योंकि मैं खुद भी डॉक्टर हूं। आप देखिए दो बड़े स्कीम्स में सरकार का, हमने एक्स्ट्रा एम्स बनाए वो मैं नहीं बता रहा हूं, मगर अमृत और जन औषधि योजना, ये दोनों एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। अमृत के माध्यम से जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं और जो कैंसर और कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स हैं उनपे 60-90% तक का डिस्काउंट, जो रिलायबल इम्प्लांट्स हैं जो हार्ट में भी लगते हैं और बाकी जगह भी लगते हैं, उन इम्प्लांट्स पे 60-90% तक का डिस्काउंट। जन औषधालय, जो पूरे देश में 3,000 जन औषधालय खोलने की बात की गई है, दिल्ली में आरंभ भी हो गया है, कई जगह आरंभ भी हो गया है, जिसमें डिस्काउंटेड रेट में एसेंशियल मेडिसिन मिल रही है, ये पहले किसी सरकार ने नहीं किया, मोदी सरकार कह रहे हैं कि दवाइयों की कीमत भी ऊपर होगी। संबित भाई आपकी सरकार पहले कहती है चाइना की वजह से जो ग्लोबल मेल्टडाउन है, हमारे लिए ग्रोथ की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इकोनॉमिक सर्वे में कहा जा रहा है कि इसकी वजह से हमारी जीडीपी ग्रोथ कम हो सकती है, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों, जरा समझा दीजिए। ग्लोबल मेल्टडाउन अपॉर्चुनिटी है या डरने का वक्त है? प्लीज मेरा ज्ञानवर्धन कीजिए। देखिए इसमें कोई दोमत नहीं है कि जब भी ग्लोबल मेल्टडाउन हो, ग्लोबल परिस्थितियां खराब हो, बुद्धिमान इकोनॉमिस्ट और बुद्धिमान कंट्री वही होता है जो उसको अपॉर्चुनिटी के रूप में देखे और उसमें अपने परचम को पूरे विश्व में लहराए। और इसीलिए आज जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी ब्रिक्स में, इस अपॉर्चुनिटी को हमने सेंस भी किया है। और यहां इकोनॉमिस्ट बैठे हैं, उनसे पूछिए, वो कहेंगे द इंडियन इकोनॉमिक्स बेसिस इज ऑलवेज राइट, जो हमारा बेसिक्स है वो हमेशा मजबूत है, फंडामेंटल्स आर ऑलवेज राइट इन इंडिया, एंड दैट्स द रीजन एज टू व्हाई हमारी इकोनॉमिक्स कभी गिरेगी नहीं, हम परचम लहराएंगे पूरे विश्व में। और मोदी जी के जो विजन है उस विजन को लेकर पूरा हिंदुस्तान थोड़ा संतुलन, फिर से दोहराना चाहूंगा कि विजन सफिशिएंट नहीं है अपने आप में, मिशन जरूर सफिशिएंट नहीं है, इसकी एक प्रक्रिया बनानी आवश्यक है।
मुझे चिंता हो रही है कि जैसे कि आपने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया, एमसीडी ने स्ट्राइक कर दिए और दिल्ली बिल्कुल उसमें चला गया, और यही हाउसिंग फॉर ऑल, यही अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, और ये सारी की सारी चीजें ऐसी हैं जो कि बड़ी चिंताजनक हैं। और इसके लिए जो रेमेडी है वो हार्ड इकोनॉमिक्स या फाइनेंस नहीं है, इसके लिए तीन चीजें चाहिए, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज संसाधन, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी तकनीक, और ऑप्टिमाइजेशन ऑफ प्रोसेस, जैसे करप्शन ना हो, प्रोसेस आपके स्ट्रीमलाइन हो जाए, अप्रूवल में टाइम ना लगे, आपकी जितनी ये प्रक्रिया पेपर वर्क ये कम से कम हो, कंप्यूटराइज सिस्टम हो, तो ये तीन चीजें, ये मेरा एक सुझाव है बजट में। समझनी पड़ेगी, एक बेचारा बजट इतनी सारी उम्मीदें नहीं संभाल पाता, और ना कभी किसी एक बजट से इतनी सारी उम्मीदें संभलती हैं। हमें ये बात समझनी पड़ेगी, जो बात संबित जी शायद अपने जवाब में बताना चाहेंगे, कि ये देश नीति और नारों में फर्क समझता है, फैक्ट्स और फैंटेसी में फर्क समझता है, दोनों चीजों में। इस समय तीन तरीके की रिसेशन है, पहली जॉब रिसेशन है। मैं पिछले एक साल से ढूंढ रहा हूं कि सरकार ये आंकड़ा तो दे कम से कम कि कितने जॉब एड हुए, कितने रोजगार बढ़े हैं, इसका कोई तथ्यपरक आंकड़ा आए। पहली रिसेशन। दूसरी रिसेशन बैलेंस शीट्स में है, व्यक्ति की निजी बैलेंस शीट हो, चाहे आपके घर के खर्च की बैलेंस शीट हो, या कंपनियों की बैलेंस शीट हो, या बैंकों की बैलेंस शीट हो, तो हम ट्रिपल बैलेंस शीट रिसेशन में। और तीसरी जो सबसे बड़ी चुनौती है, जिस जहां पर आकर इस ये बजट कल पढ़ा जाएगा, वो ये है कि हम क्या क्रेडिबल हो पा रहे हैं, विश्वसनीयता की चुनौती है। और कल वित्त मंत्री बड़ी बड़ी बातें ना करें, वो कोई 10 मिशन घोषित ना करें, वे ऐसा बजट पेश करें जिस पर ट्रस्ट किया जा सके, ऐसा लगे कि वो ऐसे लक्ष्य रख रहे हैं जिनको उम्मीद के साथ हासिल किया जा सके। लेकिन इतनी बड़ी आबादी और सबके लिए विश्वसनीय हो पाना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। हम टैक्स मास्टर्स के पास भी लौटेंगे, और साथ ही जो हमारे गांव आज तक है उनसे भी हम आखिर में टिप्पणियां लेंगे, क्योंकि एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। अभी हाजिर और उदासीनता के बीच इस साल का बजट कैसा हो सकता है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और जल्दी से अपने टैक्स मास्टर के दुकान पर हम चलते हैं और वहां की बात हम आखिर में जानते हैं। अभी पूरे डिस्कशन में एक चीज देखा गया कि दो पॉइंट पे बहुत इंपॉर्टेंट था, एक तो एफडीआई और ग्लोबल इमेज। तो अगर एफडीआई की बात करें तो स्टार्टअप को लेकर एक बहुत बड़ा हो सकता है कल अनाउंसमेंट देखने को मिले, कि अगर कोई स्टार्टअप में पैसा लगाता है तो उसको कैपिटल गेन, और साथ के साथ जब वो पैसा निकाले और फिर नए स्टार्टअप में लगाता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। साथ के साथ एनआरआई की पॉइंट पे हो सकता है कि ये देखने को मिले कि जब एनआरआई इंडिया में पैसा रेमिट करता है उस समय उस पर सर्विस टैक्स लगता है, जो कि एक बहुत बड़ा कॉम्पोनेंट होता है। कल हो सकता है कि उसमें भी एक थोड़ा सा रियायत देखने को मिल सकता है। साथ के साथ मैट में भी ये हो सकता है कि हमें 50% का रिबेट दिया जा सके। जी चलिए, बाकी जगह से उम्मीदें आती हैं, यहाँ से आ जाता है कि क्या होने वाला है। हाँ। देखिए अभी जो हेल्थ के बारे में बात हो रही थी, तो कल बजट में दो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट मेरे हिसाब से आ सकती है। एक जो एम्प्लाइज को आज की डेट में 15,000 रुपए की छूट मिलती है मेडिकल रिइंबर्समेंट की, उसको बढ़ाने की कोशिश है, शायद 50,000 रुपए तक हम उम्मीद कर सकते हैं। और दूसरी जो मेडिकल इंश्योरेंस की मेडिक्लेम की बात करते हैं, जो पिछले साल 15,000 से 25,000 बढ़ाया था, उसको भी बढ़ाने की कोशिश की जा सकती है। और तीसरी चीज जो सब बातों का जवाब दे सकती है, क्योंकि हर एक आदमी को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे चाहिए, तो कल इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड की भी अनाउंसमेंट आ सकती है कि उसमें जो निवेश किया जाएगा उसके ऊपर एक 50,000 रुपए से 1,00,000 रुपए तक की छूट अलग से मिल सकती है, तो ऐसे भी आने की जरूरत है। हम बहुत छोटे में आप सबसे जान लेना चाहते हैं, क्योंकि जितनी भी एक्सपेक्टेशंस की बात हो रही है और इंडिकेशंस की बात हो रही है, वो कम से कम गांव आज तक के लिए नहीं आ रही है। तो आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं, बहुत छोटे छोटे में एक एक वाक्य में सबसे तीनों से जान लेना चाहते हैं। उम्मीद की बात तो ये है कि मेरे सामने ये बकरियां हैं, आप देख रहे हैं, ये गांव का सीन है। एक किसी गरीब महिला ने बकरी जब खरीदनी होती है तो ये 7,000-8,000 रुपए की बकरी आती है, उससे वो अपना परिवार चला सकती है, उसको बेच सकती है, बिजनेस कर सकती है, एंटरप्रेन्योर है। उसको 24% रेट ऑफ इंटरेस्ट से MFI से लोन मिलता है, 24% से। अपोलो हॉस्पिटल को मिलेगा तो 0.1% पे मिलेगा, अगर टाटास को मिलेगा 0.1% पे मिलेगा। हाँ। तो अगर इसको 0.1% पे दीजिए, आप देखिए, एक मिनट और, वो कुम्हार साहब बैठे थे वहां पर, कुम्हार के लिए तो जमीन जो मिलती है अब नहीं मिलती है। हाँ। अगर वो बड़ी कंपनी को देनी है तो एक रुपया पर स्क्वायर मीटर पर जमीन मिलती है। अगर उसको 10x10 जमीन चाहिए, अगर आप 100 रुपए में दे दें, आप देखिए देश का कितना बड़ा जो एंटरप्रेन्योरशिप है सामने आ जाएगा। सर वक्त खत्म हो रहा है, इसीलिए इन बातों का जवाब ले लेना जरूरी है। एक्सपेक्ट हमने देखा कि किन इंडिकेशंस की उन्होंने बात की थी संबित जी, और उन इंडिकेशंस में से क्या हमारे गांव के लिए कितना आ रहा है,
कुछ आने वाला है बजट की उम्मीद करें वहां से। देखिए मोदी जी ने पहले दिन ही कहा था जब वो पार्लियामेंट में गए, पार्लियामेंट को नमन करते हुए, कि ये गरीबों की सरकार है। और मैं यहाँ मैं जानता नहीं हूँ बजट में क्या होगा, मगर इतना मैं ऐलान कर सकता हूँ कि गरीबों के लिए ही होगा, जो कुछ भी होगा गरीबों को ध्यान में रखते हुए, कि एक भी व्यक्ति पीछे ना छूट जाए। दूसरी बात, पॉपुलर बजट या पॉपुलिस्ट बजट, यह भी हमें ध्यान रखना है। मैं अरुण जी के भाषण से चंद शब्द चुराऊंगा। जब पहला बजट उन्होंने दिया था, उससे पहले उन्होंने कहा था कि क्या आप बजट में बिग बैंग रिफॉर्म चाहते हैं। उनका मानना है कि बिग बैंग रिफॉर्म कुछ नहीं होता है कि एक दिन धमाका हो और उसके बाद सब कुछ शांत हो जाए। रिफॉर्म इज ऑनगोइंग प्रोसेस। रिफॉर्म जो होता है वो 365 दिन 24x7 हमेशा रिफॉर्म होते रहना चाहिए। तीसरी बात, क्रेडिबिलिटी की बात सर ने कही। आप देखिए, द कंट्री हैज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम अ अंडर अचीवर प्राइम मिनिस्टर टू अ मैन ऑफ एक्शन। तो हमें याद रखना चाहिए कि अब अंडर अचीवर प्राइम मिनिस्टर नहीं है, अब मैन ऑफ एक्शन मिस्टर मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर। अपनी बात आपने कह दी, इसलिए अब रागिनी की बात का जवाब नहीं दे पाएंगे, उनसे ही हम खत्म करेंगे इस शो को। जी, 10 साल कोलिशन गवर्नमेंट चलाने वाले व्यक्ति को, जो आठ से भी ज्यादा जीडीपी को ले गए, उन्हें अंडर अचीवर मानते हैं तो मानते रहे, वो उसके बारे में टिप्पणी ना ही करे तो अच्छा है। मोदी जी की खासियत मैं पहले ही बता चुकी हूँ, कहते ज्यादा हैं, काम कम करते हैं, लेकिन सकारात्मक पहलू पे खत्म करूंगी और ये कहूंगी कि सड़क, पानी, बिजली, रोटी, कपड़ा, मकान, इसको लेकर आम आदमी की, गरीब व्यक्तियों की बहुत बड़ी अपेक्षाएं हैं सरकार से, और वो इसलिए क्योंकि प्रचंड बहुमत, 300 कमल खिलाने वाला बहुमत इस सरकार को दिया था, उस पर खरे उतरे और देश में सच में जिस दिशा में ले जाने की अच्छे दिन की बात कही थी, उसकी शुरुआत का पहला कदम अब उठा लें। बाजार की दुकानें बंद होने का वक्त हो गया है। और एक कंसेशन आपके लिए भी आ सकती है, स्पेशल आपके लिए, रागनी जी के लिए भी आ सकती है, वुमेन्स रिबेट महिलाओं के लिए। चलिए हम देखते हैं कि क्या क्या होने वाला है कल, किसकी किसकी उम्मीदें कल पूरी होने वाली है, क्योंकि उम्मीदें तमाम है, किसकी जेब से ये कटकर सबकी उम्मीदें पूरी होंगी ये भी देखना होगा। बजट के लिए खास इंतजाम हमने किए हैं, सवेरे से कल जुड़ जाइएगा हमारे साथ, हमारा ये बजट बाजार बहुत सुबह सुबह खुलेगा, आप देखते रहिए आज तक।